ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। कई बार हैसियत पार्टियों की भी देखी जाती है और खास करके तब जब गठबंधन का दौर हो और गठबंधन का मौसम चुनाव का वक्त आ चुका हो। प्रियंका गांधी ने अखिलेश को फोन किया, ठीक है मैं मानती हूँ कि तुम सीटें नहीं बढ़ा सकते, राहुल गांधी भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ और खड़गे साहब भी चाहते हैं, तो ये दो सीटों पे तो आप एक्सचेंज कर लीजिए सीटों को। समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने मुझे खुले तौर पे किया कहा है कि इन 17 सीटों पे अगर समाजवादी पार्टी लड़ती तो 4-5 सीटें निकाल सकती थी, अगर कांग्रेस इन सीटों पे ले तो लिया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस इसमें से 13-14 सीटें आज की तारीख में हार चुकी है। एक बहुत बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनके पास एक फोन आया, कहा कि सर वो तो डील खराब हो गई है और कमलनाथ अब कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, तो उनका जवाब था कि ये पार्टी का और हमारा दुर्भाग्य है कि वो उस पार्टी में ही रहेंगे, कृपया करके उन्हें भेज दीजिए। जो 2024 का चुनाव है, ये आंदोलन 24 को चुनाव को कैसे प्रभावित करने जा रहा है? अगर आंदोलन ना होता, अगर आंदोलन का इस तरह का माहौल ना बनता तो अकाली दल बीजेपी अलायंस अब तक अनाउंस हो जाना था। किसान कहाँ मांग रहे हैं, वो तो दो राज्यों में किसान मांग रहे हैं, कौन सा आंदोलन है, दो राज्यों का आंदोलन है, किसान कहाँ मांग रहे हैं, कहीं उसमें बिहार का आपको 10 करोड़ किसान दिख रहा है, 8 करोड़ किसान दिख रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के उसमें 3-4 करोड़ किसान हैं, नहीं है, दक्षिण के किसान हैं, नहीं है, तो एक कुछ लोग कुछ राजनीतिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। विनोद जी, हरियाणा और पंजाब इसमें सिर्फ आगे दिख रहा है, वो लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा पंजाब में ही MSP दो, MSP तो पूरे किसान समाज के लिए मांगी जा रही है ना। सब लीडरों की अपनी अपनी ईगो है, जब कोई ऐसे गैर राजनीतिक है, गैर राजनीतिक में भी सबसे राजनीतिक लोग हैं, मतलब जो गैर राजनीतिक है जिसमें डल्लेवाल साहब हैं, ये भी सबसे राजनीतिक लोग भी इसमें हैं। 2-3 बरस पहले की बात है, चुनाव में गया था रिपोर्टिंग के लिए, पता चला कि विधायक जी एक हैं, वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बावजूद। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे, रात में तैयारी कर ली, सुबह जाने का वक्त हुआ तो हमने कहा लोकेशन भेज दीजिए, तो उन्होंने कहा लोकेशन हम नहीं भेज पाते हैं, आप ऐसे ऐसे पूछते हुए चले आइए। फिर जब हम पूछते हुए पहुँचे, तो जब घर पर पहुँचे तो पता लगा, ऐसा देख के लगा कि एकाध बार के प्रधान जी हों, कोई उनका मकान है, कोई लाव लश्कर ताम झाम था नहीं आमतौर पर, जैसे अब हम अपने आस पास विधायकों को देखते हैं उस तरीके का। जब घर में गए तो एक सुरक्षा कर्मी दिखे, तो ये तसल्ली थी कि हाँ ये विधायक जी का ही घर होगा। विधायक जी बाहर आए, 86-87 यही उम्र उनकी रही होगी, कान से भी थोड़ा कमजोर सुनते थे, और जब उनसे हमने कहा आपने लोकेशन नहीं भेज पाते, तो अपना मोबाइल दिखा दिए, बोले ये बटन वाला फोन है हमारे पास, तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस तरीके के भी विधायक हैं जो 4-5 बार विधायक बन चुके हैं और इतना सामान्य रहते हैं। तो ये उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी की बात थी। बात चल निकली तो बातों बातों में इंटरव्यू के दौरान मैंने पूछा कि विधायक जी आपके पास गाड़ी कौन सी है, आप लखनऊ कैसे जाते हैं, तो विधायक जी ने कहा कि जो है हमारे पास गाड़ी है, हमने कहा कौन सी, बोले 4-चक्का बुलोरो, हमने कहा बुलोरो है आपके पास, अरे हमने कहा आप तो कहाँ आप बुलेरो के चक्कर में पड़े हैं, नेता लोग देखते हैं फॉर्चूनर पता नहीं कौन बड़ी बड़ी गाड़ियों डिफेंडर्स चल रहे हैं। तो बड़े मार्के का जवाब उन विधायक जी ने दिया जो वाकई सुनने लायक था, बोले बेटा जितनी हैसियत हो उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो वो बात लग गई और वो बात इस तरीके से समझ में आती है कि हैसियत जो है वो उनकी ईमानदारी की थी, लेकिन कई बार हैसियत पार्टियों की भी देखी जाती है और ख़ास करके तब जब गठबंधन का दौर हो और गठबंधन का मौसम चुनाव का वक्त आ चुका हो। चुनाव का वक्त है, गठबंधन इंडिया गठबंधन, बीजेपी भी गठबंधन में लगी हुई है, और जब पार्टियाँ सीट बंटवारा करती हैं तब देखी जाती है एक दूसरे की हैसियत, और हैसियत तय होती है जनाधार से, किस पार्टी का कितना जनाधार है, और इसी हैसियत के तोल मोल का खेल अब चल रहा है और कुछ राज्यों में सफल होने लग गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात चल रही है, तमाम जो परिचर्चा है उसके बाद अब कुछ कुछ चीज़ें सामने आने लग गई हैं। और क्या चल रहा है, चल रहा है देश में इस वक्त किसान आंदोलन, जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर छिड़ा हुआ है, किसान डटे हुए हैं, सरकार की जो फौज है, जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, जो पुलिस है वो भी डटी हुई है, पुलिस का काम है उन्हें रोकना और उनका काम है पुलिस के आगे बढ़ना, दोनों का टसल पिछले 10 दिन से देखा जा रहा है। तो इन्हीं दोनों मुद्दों पर आज हम नेता नगरी में बात करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और
सौरभ जी पता नहीं क्यों विधायक जी कहते हैं, वो मान्यता प्राप्त वाला मामला है, उन्हीं से पूछा करिए। मैं तो जो है बार बड़ा असहज हो जाता हूँ जब मुझसे कोई पूछता है, तो मेरे पास जवाब होता नहीं है। खैर, तो इन दोनों ही विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो पहला सेशन है वो गठबंधन की पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, असम, गुजरात, इन तमाम जगहों पे क्या चल रहा है, इस पर बात करने के लिए राहुल श्रीवास्तव जी हैं। इनसे हर कोई जो नेता नगरी का दर्शक है वो बखूबी परिचित है, न्यूज़ डायरेक्टर हैं जिस न्यूज़ के। कांग्रेस का पक्ष और कांग्रेस की जो अंदर खाने क्या चल रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आदेश रावल जी हैं, इनसे भी आपका परिचय मजबूत है। और हमारे तीसरे गेस्ट हैं कुमार कुणाल जी, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के जो गठबंधन है और जो पंजाब में गठबंधन होगा या नहीं होगा उसकी संभावनाओं पर बात करने के लिए है। इन तीनों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा राहुल जी आपसे है, ये उत्तर प्रदेश में जो फाइनली होते 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 गठबंधन हो गया, क्या कहानी रही इतने दिन से, क्यों खुरपेश अड़ता भिड़ता रहा और आखिर में जाकर के 17-63 का फॉर्मूला तय हुआ? देखिए, सबसे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं 2018 से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को यह तय कर लेना होगा कि वो सम्मान की लड़ाई और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी, उसकी लड़ाई लड़ेगी, या नरेंद्र मोदी को हराएगी। और ये जो पूरा फॉर्मूला, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लार्जली, अगर आप कोई देखे और जिसने चुनाव कवर किए हो उसको याद आएगा कि ये सीट शेयरिंग हुआ है 2009 के पैटर्न पे। ये 2009 में जब कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफी किया था, न्यूक्लियर डील से मनमोहन सिंह की पॉपुलैरिटी जो थी वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट और एक साफ छवि के नेता की हुई थी, हालांकि 2G स्कैम वगैरह चल रहा था, मगर 2009 वाज अ लॉट अबाउट मनमोहन सिंह एंड आल्सो कि बीजेपी का नेतृत्व जो था वो ऐसा सबल नहीं दिख रहा था अलके अडवाणी को देखते हुए। और उस समय पे कांग्रेस को यहाँ पे 21 सीटें मिली थी 80 में से 2009 में, और वो उस पैटर्न पे कांग्रेस अड़ गई कि हमको सीट्स उस हिसाब से चाहिए। और ये एक प्रेस्टीज का इशू बना और कांग्रेस को लगता है कि एक समय था जब कांग्रेस सीटें जीता करती थी। इसका सेकंड जो ये 21 आउट ऑफ 21 आउट ऑफ 80 के अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 24 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जो कि मैं कहूंगा कि दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन ऑफ द मुस्लिम्स की प्रेजेंस जहां पे स्ट्रॉन्ग है। और कांग्रेस को कुछ दिनों से लग रहा है, ये कुछ चुनावों से लग रहा है कि एक सर्टेन ड्रिफ्ट आ रहा है कांग्रेस की तरफ मुस्लिम्स का। और इसको लेकर के कांग्रेस चाहती थी कि उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में अगर वो कोलिशन करती है। देखिए, एक इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं चीज कहूंगा कि मुझे एक चीज लगने लगी है, कहीं समाजवादी पार्टी में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आया है अकेले चुनाव में जाने का। हालांकि वो लास्ट चुनाव में जब अपने सहयोगियों के साथ गई थी जिसमें ना बीएसपी ना कांग्रेस थी, तो उसकी परफॉर्मेंस में डेफिनेट इंप्रूवमेंट आया था। 111 सीटें वो जीती थी और कई जिले ऐसे थे, मेरे पास फेरिस्त है, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, कौशाम्बी, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, संभल, इनमें जो सीटें हैं उसमें 50% या 50% से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और अलायंस ने जीती थी। उसमें राष्ट्रीय लोकदल निकाल दीजिए क्योंकि अब वो उनसे पृथक हो गया है, तो ये वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटों को अगर निकाल दिया जाए तो सपा का अकेले में परफॉर्मेंस उतना बुरा नहीं रहा था जितना पीछे में अगर मैं चला जाऊं कि 2017 के चुनावों में देखा जाए जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़े थे और उस समय पे दोनों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो 54 सीटें आई थी और यूपी के इतिहास में 1980s के बाद से पहली बार 325 सीटें जीत करके बीजेपी को जीत मिली थी। और पिछली बार समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ जब लड़ी थी तो उसके पास बीजेपी की टैली को गिराने में क्षमता हुई थी, जबकि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीटें, मेरे ख्याल से 2 सीटें जीती थी पूरे यूपी के अंदर। तो इस सिनेरियो के अंदर अभी जो हुआ है कि कांग्रेस जो है वो प्रतिष्ठा की लड़ाई में आ गई और कांग्रेस को लगा कि बाकी राज्यों में जो रीजनल प्लेयर हैं वो कांग्रेस को उतना सेठ नहीं रहे हैं, इतना एल्बो रूम नहीं दे रहे हैं,
और अखिलेश अलायंस चाहते हैं, और अखिलेश के अलायंस चाहने का कांग्रेस ने जो है डेफिनेटिव फायदा उठाया। इतना कुछ हुआ कि अखिलेश यादव ने सीटें डिक्लेयर कर दी, जो राहुल गांधी की यात्रा हो रही थी उसमें उनको जाना था, उन्होंने कह दिया कि जब तक गठबंधन नहीं, सीट शेयरिंग नहीं होगा तब तक हम जाएंगे नहीं, उनमें गए नहीं वो। और जब अलायंस की बात हो गई उसके बाद से तय हुआ है कि वो राहुल गांधी के साथ आगरा में जाकर के भारत जोड़ो यात्रा, उनकी जो यात्रा है उसको ज्वाइन करेंगे। और उसका फायदा जो कांग्रेस ने उठाया है कि लास्ट मिनट पे जाकर के जब अखिलेश इस बात से नहीं टले थे तो प्रियंका गांधी के कॉल हुए, जो कि आदेश आपको ज्यादा बेटर बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने किस हैंडसेट से फोन किया था, उनको इस तक की जानकारी होगी जी। क्या है कि ये अलायंस इवेंचुअली जो हुआ है, ये आपने सर जो ये कहा हैंडसेट की भी जानकारी होगी, तो ये आपने तंज किया था या फिर उनके ऊपर भरोसा किए? भरोसा नहीं है, मुझे ये जानकारी है कि उनको जानकारी है। अच्छा, आपको ये जानकारी? अब वो बताएं ना शर्माएं या संवेदनशीलता देखते हुए ना बताएं, ये उनकी उनके ऊपर है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, इवेंचुअली ये जरूरी था अलायंस। क्या ये अलायंस जरूरी था? हाँ, डेफिनेटिव एक फोर्सेस का आना जरूरी है। अगर आपको 2017 का चुनाव याद है लोगों को, तो चुनाव का जिस दिन एग्जिट पोल हुआ था उस दिन अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया था कि वो एक पोस्ट पोल कोशिश करेंगे चुनाव में, कि चुनाव के बाद इस समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस इकट्ठे आए और वो बीजेपी को बाहर रखने की कोशिश करें। इस प्रदेश के अंदर ट्रायंगुलर फाइट जब भी होगी कोलिशंस की या पार्टीज की, उसके अंदर आज के हालात में बीजेपी को फायदा होगा। तो दो लोग इकट्ठे आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ इस चीज के अलायंस में फेवर में काम करता है कि राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव एक ओबीसी के बड़े डोमिनेंट वर्ग को कंट्रोल करते हैं, इन दोनों का साथ आना मुस्लिम्स को, मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन करेगा। यूथ में एक डेफिनेटिव जो नौकरी को लेकर के, जैसे 600 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है ओबीसी वर्ग का नौकरियों के लिए, उन सब यूथ वर्ग में एक अपील डेफिनेटिव होगी इन दोनों लोगों की। लेकिन मैं एक इनके अभी पॉजिटिव्स गिना रहा हूं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। तो इस इन लोगों के साथ आने के कारण है कि कहीं ना कहीं एक अरिथमेटिक ऑलवेज वर्क्स बेटर। लेकिन क्या ये संपूर्ण अरिथमेटिक ऐसी है कि वो चुनाव जितवा सकती है अलायंस को, ये अभी लंबी बात है, हम इसको बाद में आएंगे। हम आदेश जी आपका भी स्वागत है बहुत बहुत नेता नगरी में, और आपको दर्शक बहुत पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस की जो खबरें होती हैं वो आप तक बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही अंदर खाने की खबरें आप तक पहुंचती हैं। तो ये जो गठबंधन हुआ और एक खबर आई कि प्रियंका गांधी ने फ़ोन कॉल किया, और उसके अंदर की खबर जो है वो राहुल जी दे रहे हैं कि कौन से हेडसेट फ़ोन से कॉल किया वो आपको पता होगा, तो ज़रा इस पर प्रकाश डालिए, राहुल जी ने जो कहा और उससे इतर जो बात हुई। पहले तो राहुल जी का बहुत शुक्रिया, वो इतना भरोसा जताते हैं मेरे ऊपर, और आपका ही बहुत शुक्रिया जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया उनके लिए। इसकी शुरुआत करते हैं कि दरअसल इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर गया था, वो पटरी पर लौट रहा है वापस जी। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, उन लोगों को ये पहली कामयाबी मिली है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ इस डील को सील की है कि हम 17 सीटों पे लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी 62 पे और एक पे चंद्रशेखर रावण। तो दरअसल क्या हुआ कि प्रियंका गांधी को जाना था भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, वो अमेरिका से आई थी, क्योंकि अभी तक प्रियंका गांधी एक बार भी यात्रा में शामिल नहीं हुई है। तो उन्हें नगीना में शामिल होना था, तो पता लगा कि उनकी तबीयत खराब हो गई, वो एडमिट हुई गंगाराम में। और इसके बीच में क्या हुआ कि 19 तारीख को अखिलेश यादव ने एक लिस्ट भेजी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, कांग्रेस अध्यक्ष के पास, और कहा कि ये हमारी सूची है। खड़गे साहब ने राहुल गांधी से बात करी और राहुल गांधी ने कहा कि इसमें हम 2 सीटें और चाहते हैं, ये आप अखिलेश को बोल दीजिए। तो खड़गे साहब ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि ये 2 सीटें और आप हमें दे दीजिए, और अगर आप 2 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम एक्सचेंज कर ली। दरअसल कांग्रेस पार्टी नेताओं के भीतर एक डर था कि जो सीटें हारने वाली हैं उनकी संख्या ज्यादा है इन 15-17 सीटों में। नंबर की दिक्कत नहीं थी अलायंस में, दिक्कत इस बात की थी कि सीटें कौन सी मिल रही हैं, कम से कम वो सीटें हमें मिल जाए जहां कांग्रेस पार्टी पहले जीते हुए हैं।
जैसे राहुल जी ने कहा था 2009 की सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि 2009 में 21 सीटें ये पहले जीते थे, फिर एक बाई इलेक्शन हुआ उसमें फिर ये कांग्रेस पार्टी जीती, संख्या 22 हो गई थी। तो जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि आप दो सीटें और ऐड कर लीजिए, तो वहीं पे बात रुक गई और अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रियंका गांधी अस्पताल से लौटी और उन्होंने आके पूछा कि क्या स्टेटस होती है यूपी के चुनाव का, यूपी का अलायंस का, तो कहा कि अखिलेश यादव ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। खड़गे साहब ने उन्हें ये कहा था कि दो सीटें आप और बढ़ा दीजिए या उनको एक्सचेंज कर लीजिए। प्रियंका गांधी ने अखिलेश को फोन किया और अखिलेश यादव ने उनसे सबसे पहले उनकी तबियत के बारे में पूछा, तबियत कैसी है, और फिर पता लगा कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम सीटें नहीं बढ़ा सकते, राहुल गांधी भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ और खड़गे साहब भी चाहते हैं, तो ये दो सीटों पे तो आप एक्सचेंज कर लीजिए सीटों को, और एक सीट की उन्होंने रिक्वेस्ट करी, एग्जैक्टली सीट मुझे याद नहीं है कौन सी थी। और इस प्रकार से रात को वो इनके अस्पताल से आने के बाद प्रियंका गांधी के यूपी का जो समझौता है उसकी जो डील थी वो सील हो गई और अगले दिन इन्होंने लखनऊ में इसकी घोषणा कर दी। दर्शकों की बता दी, वो दोनों सीटें थी कौन सी जो एक्सचेंज हुई हैं? अभी एक्सचेंज नहीं हुई, अभी उनकी रिक्वेस्ट गई है। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में हम बाद में विचार कर लेंगे। हाँ। ये दो सीटें आप जरा देख लीजिएगा, और वो दो सीटों का नाम है मेरे हिसाब से, उन्होंने कहा है कि आप बुलंदशहर और मथुरा सीट पे थोड़ा विचार करिएगा कि इनको हम बदल सकते हैं क्या। अच्छा। और हाथरस के बदले में सीतापुर, शायद ऐसा कुछ इनकी बातचीत हुई है। लेकिन तो ऑलरेडी इस समझौते को पुख्ता करने में प्रियंका गांधी का रोल है। उन्होंने जो बातचीत चल रही थी, राहुल गांधी डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे इस बार। अच्छा। खड़गे साहब के थ्रू ये बातचीत हो रही थी अखिलेश यादव के साथ में, और ये लोग भी आखिर में आए। पहले कांग्रेस की जो अलायंस कमेटी थी वो और रामगोपाल यादव इनकी बैठकें हुई, इन्होंने मोटा मोटा एक रूपरेखा तय की और उसके बाद ये पहुंचे कि हम इन सीटों पे आएंगे। आप देखिए कि कांग्रेस ने जो शुरुआत की थी, कांग्रेस का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है हाल के कुछ सालों में, पिछले 20 सालों में, वो 22 सीटों का रहा है। लेकिन जब अविनाश पांडे ने इसकी शुरुआत की तो 40 सीटों से की, 40 से घटके 24 पे आए, 24 से 21 पे आए, 21 से घटते घटते, और अखिलेश ने 11 सीटों की घोषणा कर दी थी इस बात को समझते हुए ताकि प्रेशर पुटअप कर सकूं। और उसी दौर में नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन तोड़ दिया था और वो एनडीए में चले गए थे। तो दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स होती गई और इसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें ऐसी मिल गई जहां उनको ये था कि हम यहाँ जीत भी सकते हैं। अब जैसे सहारनपुर के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ आप इनको मत दीजिएगा, इमरान मसूद को, क्योंकि जब ये चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे चुनाव ये पोलराइज कर देते हैं इनकी इनकी इनके भाषणों के चक्कर में। प्रियंका गांधी ने कहा कि नहीं, देखिए हमारे नेता हैं और वापस पार्टी में लौट के आए हैं तो हमें इनको टिकट देना है। लेकिन फिर अखिलेश ने कहा कि इनको कहिएगा कि थोड़ा सा अपना जो बयान देने का तरीका है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दे जिससे हिंदू मुस्लिम हो, पोलराइजेशन हो, धर्म का हो, जाति का हो, कुछ भी ऐसा ना करें। तो फाइनली प्रियंका गांधी ने अखिलेश से बात करके सहारनपुर में इमरान मसूद का जो कैंडिडेट था उसको फाइनल कर दिया। ऐसे ही नोएडा में कहा गया कि आप अंकुरी पाठक को मत दीजिएगा। तो दोनों तरफ से सीटों के साथ साथ नामों पे भी लगातार चर्चा हो रही थी कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं, कौन कौन लड़ सकता है। देवरिया ऐसी सीट थी जो अखिलेश यादव देना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता है कि ब्राह्मण सीट है, लेकिन वो फाइनली कांग्रेस पार्टी के कोटे में आ गई। वहां से कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अखिलेश प्रताप सिंह, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको शायद ऊपर से कहा भी गया कि आप तैयारी कीजिए। तो इस तरीके से सीटों के साथ साथ कैंडिडेट्स के ऊपर भी चर्चा चल रही थी लगातार, और फाइनली पहली कामयाबी इनको मिली और यूपी की जो डील है वो इनकी सील हो गई 17 सीटों पे। आम आदमी पार्टी और जो दिल्ली कांग्रेस और पंजाब को लेकर के जो गठबंधन की बातें चल रही उस खेमे में क्या हो रहा है, कुणाल जी आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए 13 जनवरी को अभी जो बातचीत हो रही थी, 13 जनवरी को पहली बार कांग्रेस की मीटिंग आम आदमी पार्टी से ऑफिशियली हुई। 13 जनवरी यानी आज से लगभग डेढ़ महीने पहले ये मीटिंग शुरू हुई, और उस मीटिंग में पहली दफ़ा जो गए थे उसमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी और जो 5 मेंबर की कमेटी है कांग्रेस की तरफ से, उन लोगों ने वहाँ पर मीटिंग की। अब बात शुरू हुई कि पंजाब पर क्या किया जाए। पंजाब पर कांग्रेस लगभग तय थी कि आप गठबंधन नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर उनका जो लोकल नेतृत्व था वो इसके पक्ष में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उस मीटिंग में से बाहर निकल करके आम आदमी पार्टी के जो लोग उसमें शामिल होने गए थे, जो बताते हैं उसमें अरविंद केजरीवाल या जो टॉप लीडरशिप है वहाँ से बातचीत हुई और ये समझा दिया गया कि नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इसलिए वहाँ पर आप अगर समझौता कर भी लेंगे तो आप कंसीड करेंगे
कहीं ना कहीं बीजेपी और अकाली दल को वहां पर जो अपोजिशन स्पेस है, जो विपक्ष की जगह है, वो आप बीजेपी और अकाली को दे देंगे। तो ये एक बात समझ में आई और वहीं पर 13 जनवरी को ही ये तय हो गया था कि पंजाब में गठबंधन नहीं होना है। अब बात हुई कि बाकी कहां कहां होगा। कई लोग कहते हैं कि बात चल रही थी कि 6-1-5-2, ये बिल्कुल कभी बात थी ही नहीं दिल्ली में। दिल्ली में हमेशा बात हुई 4-3 पर, कि 4 सीट लड़ेगी कांग्रेस या 4 सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी, या फिर 3 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 3 सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी। इसमें जो सबसे बड़ा जो फॉर्मूला दिया गया कांग्रेस की तरफ से वो था 2019 का, जिस समय शीला दीक्षित प्रेसिडेंट थी दिल्ली कांग्रेस की और खुद नॉर्थ ईस्ट से उम्मीदवार भी थी। उसमें कहा गया कि उस समय कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी लोकसभा चुनाव में, इसलिए 4 सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए और 3 सीट आम आदमी पार्टी लड़े। आम आदमी पार्टी उस पर उस समय कुछ इसलिए नहीं बोली क्योंकि उस समय बार्गेनिंग चल रही थी बाकी राज्यों में, खासतौर पर गुजरात में, और गुजरात में जो भरूच सीट है जिस पर अभी भी मामला फंसा हुआ है, जहां से अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल चुनाव लड़ना चाहती हैं और अभी भी आज घोषणा हो सकती थी लेकिन अब घोषणा नहीं हुई। तो इसके पीछे वहां से अहमद पटेल के जो बेटे हैं फैसल पटेल वो भी दावा कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से जो है चैतर वसावा है और छोटू भाई बसावा से अलग होकर के आए हैं एक दमदार आदिवासी नेता, बिल्कुल जेल में भी गए अभी और जेल से छूटे तो बड़ी सहानुभूति लहर है। तो कांग्रेस के भी जो अंदरूनी लोग हैं ना वो मानते हैं कि वहां पर अगर बेटर कैंडिडेट देखा जाए पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो वो चैतर बसावा हैं, और इसीलिए शायद तय हुआ कि छोड़ा जाए। लेकिन अब कैसे उन्हें मनाना है, पटेल फैमिली को मनाना है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब बात आई है कांग्रेस की कि क्या कौन सी सीट दिल्ली में लड़ी जाए, 3 अगर सीट दी जाए तो कौन सी सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी और कौन सी सीट कांग्रेस लड़ेगी। इसमें मुस्लिम डोमिनेटेड 3 सीट हैं, एक है चांदनी चौक जिसमें बल्ली मारान, मटिया महल, चांदनी चौक और साथ में सदर, इसका इलाका आता है, तो इस पर दोनों की दावेदारी थी। इसके अलावा था नॉर्थ ईस्ट जहां पर सीलमपुर, मुस्तफाबाद, इस तरीके के इलाके आते हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड माने जाते हैं। तीसरी सीट है जो कि ईस्ट दिल्ली है जहां पर ओखला जैसा बड़ा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया आता है। तो अब इन तीनों सीटों पर दावेदारी दोनों पार्टियों की थी, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं इस इनमें से तीनों सीटों को देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार हो गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास महाबल मिश्रा हैं इस समय जो कि वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस छोड़ करके गए हैं, पूर्व सांसद रहे हुए हैं। इसके अलावा करतार सिंह तंवर हैं जो कि जो छतरपुर से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो चाहते हैं कि साउथ दिल्ली से वो चुनाव लड़ें। नई दिल्ली में 3 नामों पर चर्चा चल रही है, उसमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी और सोमनाथ भारती, इन तीनों के नाम की चर्चा है। इस बीच में एक पेंच ये फंस गया कि जो नॉर्थ वेस्ट जो कि रिजर्व सीट है एकमात्र दिल्ली की, उस पर कौन लड़ेगा। उसमें दावेदारी पेश कर दी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वहां पर हाई कमांड से एक नाम गया, आप कहिए कि उदित राज को लेकर के कांग्रेस ने उस सीट की लगभग अदला बदली कर ली है। नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस अब नहीं लड़ेगी, नॉर्थ वेस्ट जो कि रिजर्व सीट है उदित राज के लिए मांगी गई है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, हालांकि कांग्रेस के अंदरूनी जो लोग हैं वो मानते हैं कि उदित राज की विनेबिलिटी बहुत मुश्किल है वहां पर, लेकिन फिर भी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने उनके लिए सीट मांगी है। और जो चांदनी चौक सीट है वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि अलका लांबा दावेदार है, सबसे बड़ी दावेदार है चांदनी चौक सीट के लिए, उसको लेकर के भी कांग्रेस के जो अंदरूनी समीकरण है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जेपी अग्रवाल, उनके बेटे मुदित अग्रवाल, ये सारे लोग वहां पर दावेदार हैं। तो जो गठबंधन है वो तो हो गया है, लेकिन अंदरूनी जो समीकरण है वो बिगड़ते हुए मुझे फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं, और इस वजह से अभी थोड़ा बहुत लेट भी हो रहा है, ये जो घोषणा नहीं हो पा रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि अलका लांबा वहाँ दावेदारी में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, लेकिन पिछले चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रही तो उनको 3,000 वोट विधानसभा के चुनाव विधानसभा में 3,000 वोट ही मिले थे। तो ये भी अपनी बड़ी दिलचस्प है बात। लेकिन हम एक बार उत्तर प्रदेश पे फिर से लौट के आते हैं, पंजाब पे, और ये दिल्ली आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, चूंकि स्टेक बड़ा है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश की निगाह, उत्तर प्रदेश पर हर किसी की निगाह रहती है कि भाई यहाँ से कौन जीतेगा कौन हारेगा। राहुल सर, मैं आपके पास वापस आऊँगा और ये जानना चाहूँगा, जानने में मेरी दिलचस्पी है
कि ये जो सीटें बंटवारा हुई और ये कहा जा रहा है कि 2009 के फॉर्मूले पे हुई, तो मैं देख रहा हूं तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारा फॉर्मूला उलट पुलट भी है। जैसे कई सारी सीटें कांग्रेस को ऐसी मिली हैं जहां पे वो सालों से नहीं जीती, अब ये हो सकता है कि विरासत के नाम पे मिल गई, जैसे इलाहाबाद की सीट। आप देखिए, इलाहाबाद में कांग्रेस आखिरी बार 1984 में जीती थी जब अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े थे, उसके बाद से चुनाव जीती नहीं है। और बनारस में उनको दिया गया और मथुरा दे दिया। तो तीन जो बड़े तीर्थ केंद्र हैं वो कांग्रेस के खाते में आ गए। अयोध्या क्यों छूट गया, इस पे आप थोड़ा अपना विचार रख देते तो बड़ा अच्छा रहता। देखिए, सबसे बड़ी मैं जो इस पूरे अलायंस का सबसे मोटा मोटा जो पहला पॉइंट्स जो मैं कहना चाहूंगा कि इस अलायंस के खिलाफ क्या चल रहा है, इस अलायंस की प्रॉब्लम देखिए। आदेश ने बात करी कि इंडिया अलायंस की शुरुआत बोनी हो गई है। अब इस बोनी में देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो बड़ी पार्टी है, डोमिनेंट पार्टी है, जिसके पास लास्ट पिछले बार जब चुनाव के टेस्ट में गए थे तो 111 सीटें हैं जिसके पास, उसका नेता प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। ये पर्सनैलिटी की लड़ाई है। लोकसभा में लोग नेता को चुनते हैं, देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और आपने उत्तर प्रदेश बड़ा कहा, हम इतने बड़े हैं साहब कि हम प्रधानमंत्री देते ही नहीं हैं, बाहर से लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे पास आते हैं। ठीक बात। तो अब जो छोटी पार्टी है जिसको दो सीटें लास्ट चुनाव टेस्ट में मिले थे, दो नंबर मिले थे, वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, जिस पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी के पास, जिसके पास एक बड़ा धड़ा वोट का है, यादव वोट जो कि ओबीसी वोट का 50% पड़ता है उत्तर प्रदेश का, और सबसे जिसे कहते हैं कि जाति ऐसी जो हाका लगाती है, उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। जिस पार्टी के गले में एक भी वोट बैंक नहीं है, उसका नेता प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में काम करता, मेरे हिसाब से, यानी मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, कि अगर पूरे देश में इंडिया अलायंस चल रहा होता, इन आइसोलेशन उत्तर प्रदेश में आप सिग्नल देंगे साहब कि हम पूरे यूपी में एक हैं, मगर हम बाहर में, हमारा इंडिया अलायंस कुछ नहीं है, बंगाल में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, कहीं और दिख नहीं रहा है, आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम चल रही है, नीतीश कुमार टूट गए हैं, तो क्या यूपी का वोटर कन्विंस होगा ये एक क्रेडिबल चैलेंज है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये अलायंस जो कि यूपी में वर्क कर रहा है मगर बाकी जगह वर्क नहीं कर रहा है? अगर ये फैक्टर नहीं है तो ये अलायंस कहा जाएगा कि अच्छी बोनी इसमें हो गई है। अगर इसमें मायावती शामिल होती, आप चाहे जो भी कहिए, बीएसपी एक अभी भी एक फोर्स है, उसके पास दलित वोट बैंक है, उसके अंदर मुस्लिम वोट को अपने पास करने की, यानी उसके लिए मुस्लिम के लिए अनटचेबल नहीं है। जहां बीएसपी का कैंडिडेट जीतता दिखता है वहां मुसलमान उनके साथ जाते हैं क्योंकि माइनॉरिटी को लगता है कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम होगी। तो अगर हम ये पैरामीटर्स देखें तो ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है कि अरिथमेटिक जोड़ लेना इलेक्शन नहीं होता है, केमिस्ट्री होनी चाहिए। क्या एक कॉमन नैरेटिव आपको दिख रहा है? दो नैरेटिव अगर आप देखें कि एक है राहुल गांधी का प्रपोज किया हुआ सेंसस को लेकर के, कास्ट को लेकर के, ओबीसी वाला एक नैरेटिव है जो राहुल गांधी चला रहे हैं, उसमें दम है क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेंथ जो हुई है वो ओबीसी और एमबीसी की कुछ सालों में हुई है और नॉन जाटव जो वोट बैंक एससी का आया है, और उसके वर्सेस द पीडीए जो अखिलेश यादव का है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का जो उन्होंने यात्रा का, दो यात्राएं निकल रही हैं, एक ओबीसी और वगैरह के लिए और एक यात्रा निकल रही है पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव की, दोनों ने यात्रा निकाल चुके हैं, आगरा में कोइंसिडेंसली शुरुआत कर रहे हैं एक दोनों एक दूसरे के साथ जाने के। पिछली बार फरवरी 2017 में आई थिंक 3 या 4 फरवरी थी जब पहली बार दोनों इकट्ठे दूसरी रैली की थी आगरा में, जो दोनों यूपी के लड़के और यूपी को ये साथ पसंद है स्लोगन जिसके बाद से चला था, और प्रशांत किशोर ने दमखम डाला था उसमें अपना पूरे उस अलायंस को 2017 में। अब प्रशांत किशोर भी नहीं है। अभी अगर आप एनालाइज करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर,
तो बीजेपी 2012 में 47 सीटों पे थी, 2017 आते आते वो 312 हो गई, 39.6% वोट ले गई। एसपी कांग्रेस 2012 में 224 सीटें थी अखिलेश यादव की, 2017 के अंदर आकर के वो नीचे गिर गए। दोनों का वोट बैंक करीब 28% 29% रह गया, 54 सीटें रह गई। बीएसपी जो है वो अभी भी फैक्टर है। अब अखिलेश ने बीएसपी को भी ट्राई कर लिया है पिछले लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, और पिछले असेंबली इलेक्शन उससे पहले वाले में उन्होंने कांग्रेस को ट्राई कर लिया है। आपने मेंशन किया कि जो सीटें कांग्रेस की लेगेसी सीटें जो आपने बात करी, उसमें सहारनपुर, अमरोहा, देवरिया, सीतापुर, बुलंदशहर, इलाहाबाद, ये 1984 से नहीं जीते साहब। 2019 में बीजेपी ने 50% वोट लिए, दो एलआई और जोड़ लिए हैं जिसमें जाट, राजभर, निषाद, कुर्मी का एक एडिशन उनका हो रहा है। बीएसपी, एसपी और आरजेडी, आरएलडी अगर मिल भी जाते हैं 2019 में जिस तरह से देखा गया था, तो 40% से कम वोट के दावेदार रहे हैं। 2014 में जब सब अलग अलग लड़े थे तो टोटल वोट 42% का पड़ा था अगर समाजवादी पार्टी का, और एनडीए का वोट बैंक जो था वो 43% था। स्टैटिस्टिक्स कुछ और कह रही है। अगर इसमें खतरा जो है कि अगर ये वोट बैंक, ये अलायंस मुस्लिम कंसोलिडेशन की तरफ जाता है तो 2017 की तरह खतरा बनता है कि बीजेपी इस प्लान को यूटिलाइज करेगी। ये लार्जली मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट के लिए बना हुआ अलायंस है। राहुल गांधी का जो प्रखर कास्ट सेंसस को लेकर के, ओबीसी को लेकर के इस समय बातचीत हो रही है, उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहला उसके अंदर जो 20% उत्तर प्रदेश का अपर कास्ट है उसके लिए नाना है बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश में देखा गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी एलिमेंट का ज्यादा उठाया जाना कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बना। दूसरा, इस ओबीसी की लड़ाई के अंदर अगर राहुल गांधी अकेले होते तो फायदा हो सकता था। अखिलेश यादव का होना मींस यादव ओबीसी लॉबी का इस अलायंस में डोमिनेंस दिखेगा, और उसी डोमिनेंस ऑफ यादव के खिलाफ जो नॉन यादव ओबीसी थे वो छिटक करके बीजेपी की तरफ से गए थे 2017 से लगातार, अब बीजेपी के साथ रहे हैं। वो एक जो परेशानी है कि अगर आप ओबीसी प्लैंक लेके जा रहे हैं और उसी ओबीसी प्लैंक में ये परेशानी है तो इसको देखना होगा कि ओबीसी कैसे परसीव करते हैं। बीजेपी ने राजनीति लड़ी है राम, राशन और रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ओबीसी और एमबीसी को दिया है। अगली प्रॉब्लम आती है दलित वोट बैंक को लेकर के। चंद्रशेखर जी को सीट देने की बात है लेकिन मायावती का होना और थर्ड पोल होना एक अपने आप में फैक्टर है। उसके अंदर यह परेशानी आती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी के होने के कारण यादव वर्सेस दलित्स एक जो पॉलिटिक्स फ्रिक्शन जन्म हुआ है उसके कारण से दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी से छिपका है। हालांकि अखिलेश यादव ने अच्छी शुरुआत की है कि अयोध्या के अंदर जो सीट अनाउंस की है उन्होंने एक अच्छे दलित नेता की सीट अनाउंस की है। फैक्टर हो सकता है आसपास के एक दो इलाके में, लेकिन क्या एक छवि की क्राइसिस आती है जहां पे जो स्ट्रेंथ है समाजवादी पार्टी या इस अलायंस की वो ही इसकी वीकनेस बन जाए। अब अगर ये अलायंस को लेकर के मुस्लिम ग्रेविटेशन होता है और मायावती तमाम मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें जो 24 हैं वहां पे अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट डाल देती हैं, लोकल कैंडिडेट डाल देती हैं, तो क्या उसका इंपैक्ट इनकी स्ट्रेंथ पे नहीं पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूं कि इनकी ऑन पेपर स्ट्रेंथ बहुत है इस अलायंस की, लेकिन उन स्ट्रेंथ की ऑन रियालिटी ऑन द ग्राउंड नेगेटिव भी इतने ज्यादा हैं कि इस समय पे आकर के समाजवादी पार्टी और इन लोगों को बीजेपी पे अटैक करके एक कॉमन नैरेटिव बनाते हुए अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होगा। और मैं ये कहूंगा कि वो स्ट्रेंथ क्या होगी, वो होगी कि मछली की आंख जिस तरह से अर्जुन को दिखाई दी थी, वो जो मैंने आपको गिनाए थे कुछ जिले, करीब 10-12 जिले जहां पे सपा ने ज्यादा बेहतर किया था पिछली बार, उन सीटों को अगर टोटल करें तो वो 25-30 ऐसी सीटें हैं जहां पे इन पार्टियों ने अच्छा किया था। दे शुड लार्जली फोकस ऑन दीज सीट्स, अदरवाइज जो ये अलायंस में गई हैं, मैं आपको खुली बात बताता हूं कि समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने मुझे खुले तौर पर कहा है कि अगर ये
हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि नॉन ट्रांसफरेबल वोट्स की भी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट बहुत आसानी से ट्रांसफरेबल नहीं है, या दलित वोट ट्रांसफरेबल हो तो, जबकि वो पिछली बार समाजवादी पार्टी को नहीं गया 19 में, क्योंकि दलित यादव एक फ्रिक्शन है, सोशल फ्रिक्शन है। तो अब इस समय पे कुछ नेता ने कहा था जी, नेता ने साफ तौर पे कहा है कि इन 17 सीटों पे अगर समाजवादी पार्टी लड़ती तो 4-5 सीटें निकाल सकती थी, अगर कांग्रेस इन सीटों पे ले तो लिया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस इसमें से 13-14 सीटें आज की तारीख में हार चुकी। अच्छा, पहले ही कह दिया है कि 13-14 सीटें हार चुकी। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, अभी मैं 2 दिन पहले मेरठ में था और मेरठ में मेरी चर्चा हो रही थी, एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में मैं बैठा था। मैंने पूछा ऐसे ही लोगों से कि क्या आप कांग्रेस को प्रेफर करते हैं, समाजवादी पार्टी को प्रेफर करते हैं। वहां पर जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट मुझे दिखाई पड़ा वो ये था कि आज की तारीख में लोकसभा चुनाव में लोग समाजवादी पार्टी को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ रुझान ज्यादा है। तो ये एक चीज, जो मैं ग्राउंड सेंटिमेंट्स को पकड़ूं तो लोग आज भी चाह रहे हैं कि बहुत समाजवादी पार्टी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया। और मेरठ की सीट ऐसी है जहां पर पतंग लोकल इलेक्शन में यानी MIM वहां पर जीत गई थी, तो लोग कहीं ना कहीं एक जो फैक्टर है समाजवादी पार्टी से टायर्ड होने का, वो फैक्टर भी कहीं दिखाई पड़ता है। लोकसभा का अलग अलग फैक्टर काम करता है। हाँ, तो राहुल जी ये बताइए, और जो नेता लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस तमाम दोनों दल के नेता एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं? आपने जो बोला कि गठबंधन जो है वो अर्थमेटिक का आप कर लोगे लेकिन केमिस्ट्री होनी चाहिए, अब आप केमिस्ट्री की कहानी ये बता रहे हो कि एक गठबंधन का जो बड़ा पार्टनर है उसका एक बड़ा नेता कह रहा है कि कांग्रेस सीटें हार जाएंगी। जी, ये पिछली बार भी हुआ था 2017 में भी, जब सीट शेयरिंग करके अलायंस हुआ था तब खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि जो सीटें ली गई हैं कांग्रेस के द्वारा उन सीटों में कांग्रेस बहुत कमजोर है। परेशानी इसके अंदर यही है कि ये केमिस्ट्री किस तरह से बैठेगी। आप याद रखिए कि इस देश के अंदर, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, कि इस देश में कांग्रेस की जो आज की स्थिति है उसको इस स्थिति में लाने का, अगर मैं कहता हूं कि सिंगल टॉप मोस्ट रीजन जो पार्टी जिम्मेदार है, जिसने कांग्रेस की जो जड़ थी और देश के सबसे बड़े प्रदेश के अंदर वहां हिला दी, वो है समाजवादी पार्टी साहब। वो जनता पार्टी से ट्रांजिशन होकर आई हुई पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, इट वॉज टेक्निकली मुलायम सिंह यादव। 1989 का ऐतिहासिक चुनाव है जिसके अंदर मुलायम सिंह यादव नेवर लुक बैक। 1990 में, 1990s के फेज में, जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई और कारसेवकों पर, एक डिसीजन ऐसा था जो कि पॉलिटिकल लोगों के हाथ कांपते हैं इसे लेने में, और मुलायम जो वो बने उसके बाद से कांग्रेस का जो उन्होंने एग्जिस्टेंस समाप्त किया है, वो वहां का कार्डर भूल नहीं सकता साहब। वहां के कार्डर जो है, कांग्रेस का कार्डर सालों से, अब आप, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि आप डोमिनेंट्स जो कांग्रेस की बड़ी सीटें और फैमिली की प्रेस्टीजियस सीटें रही हैं लिखी हैं, उसमें से है रायबरेली और अमेठी। रायबरेली और अमेठी में कोई अगर जाकर के इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड देख ले तो 2022 में 4 में से 5 सीटें जो हैं विधानसभा की, वो बाराबंकी, हरचंदपुर, सरेनी और उचाहार, ये समाजवादी पार्टी ने जीती। 5 में से 4 बीजेपी ने एक सीट जीती थी, वो थी रायबरेली, जो कि उनकी बिटिया थी वो चली गई। अमेठी के अंदर बीजेपी 3 से 5 सीटें जीती हुई है, जगदीशपुर, सलोन, तिलोई। समाजवादी पार्टी के पास 5 में से 2 सीटें हैं, गौरीगंज और अमेठी। अब ये बताइए कि पार्टी की सबसे प्रेस्टीजियस सीट पे पार्टी की एक भी विधानसभा सीट नहीं है। अब यहां का जो कार्य विधायक है वो इस अलायंस को किस तरह से देखेगा, वहां का यहां का कार्डर समाजवादी पार्टी का किस तरह से काम करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। ये जो है, ये केमिस्ट्री के एलिमेंट्स जो हैं, ये मल्टीपल लेयर केक की तरह से होते हैं। मतलब वो आपका इंडिया अलायंस नहीं काम कर रहा, आपका नेता प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा। अब ये बताइए, समाजवादी पार्टी का नेता जो है रायबरेली, अमेठी या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट जहां कांग्रेस लड़ रही है, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मेहनत करेगा?
ठीक बात है। और वो जाएंगे भी तो एक सिंबॉलिक होगा, अगर मान लीजिए जाते भी हैं कि भाई राहुल गांधी कन्नौज में जाकर रैली कर दिए या फिर मैनपुरी में जाकर के रैली कर दिए, वो आगे की बात है। आप जो बता रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है कि पुरखों ने एक इमारत बनाई और उसकी नींव खड़ी कर दी, और जो ऊंची वाली मंजिल तो वो तो ठीक है, वो सुरक्षित है, लेकिन बीच के माले जो हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता होने चाहिए और जिस तरह के काडर होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन कहीं कहीं एक तरीके से ये भी लगता है कि जो बात कुणाल जी कह रहे थे कि लोकसभा में लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं वही वोटर, और विधानसभा में वही वोटर टूट करके समाजवादी पार्टी में वोट दे रहा है। मैं आदेश जी के पास जानना चाहूँगा, और आदेश जी ये जानना चाहूँगा कि ये जो नाम, जो सीटें ऐलान हुई, ये तो तय हो गया कि भाई जब ये सीटें कांग्रेस ने ली होगी तभी उसके दिमाग में कैंडिडेट का नाम भी आ गया होगा। मैं एक UPPCC की बैठक हुई थी बीते दिनों, और उसमें ऐसा हमें कुछ लोगों ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि दिल्ली से कोई गांधी परिवार से आएगा और जादू की छड़ी घुमाएगा और फिर जो है यूपी में हम वापस से मजबूत हो जाएंगे। आप में से कोई रेवंथा रेड्डी बनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, क्यों आप लोग स्क्रैच से शुरू नहीं करते और मुख्यमंत्री बनने का सपना क्यों नहीं देखते? क्योंकि आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखो तो एक तरीके से वो तेलंगाना मॉडल को लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके ट्वीट पढ़ता हूँ तो तेलंगाना मॉडल का कहीं और लागू हो रहा है, और उसमें आप बताते हैं कि पता नहीं किसी नेता ने मर्सिडीज मंगवाई है तेलंगाना से, और जो आरोप लगा रहा कह रहा मानहानि कर दो मुकदमा झेल लूंगा। तो पहले मर्सिडीज वाला किस्सा बता दीजिएगा, फिर ये इन सीटों पे कौन कौन दावेदार है उसकी कहानी बताइएगा। तेलंगाना में जब यूपी की सरकार थी तब इसका गठन हुआ इस राज्य का, और इसका श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी को और खासकर सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी वहाँ पे बहुत फेमस भी है, उन्हें वहाँ सोनिया अम्मा के नाम से बुलाया जाता है जी। और इस बार तेलंगाना ने कोशिश भी की थी कि खम्मम सीट से गांधी परिवार से किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ाया जाए, जिसमें सोनिया गांधी का नाम था, प्रियंका गांधी का नाम था, लेकिन उसमें कारण ये रहा कि अगर राहुल गांधी पहले से ही वायनाड से सांसद है, अगर एक आदमी और गांधी परिवार से वहां चला गया तो पार्टी साउथ तक सिमट के रह जाएगी और नॉर्थ में उसका मैसेज खत्म हो जाएगा। इसीलिए फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी को राज्यसभा भेज दिया राजस्थान से, उत्तर भारत से, और अब हो सकता है कि प्रियंका गांधी को अमेठी रायबरेली में से एक सीट लड़ाई जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों सीटों पे करीब करीब 40,000 साइज का एक सर्वे कराया, सैंपल साइज लिया है कि कहाँ पे हम आसानी से जीत सकते हैं। अब मैं आपकी आता हूँ मर्सिडीज वाली बात पे। दरअसल क्या है ना, तेलंगाना में काफी लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और चुनाव से 6 महीने पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, लेकिन बन गई तो भारी बहुमत से बनी जी। अब उसमें क्या है कि वहां हर किसी को मंत्री बनने की होड़ है, और दिल्ली के एक बहुत बड़े महासचिव ने इस बात को इंश्योर किया जो हाल ही में रिशफल कांग्रेस पार्टी में हुआ था। तो नाम लेने के लिए मशहूर है आदेश जी, आप नाम लेने के लिए मशहूर है, तो आप नाम लेके बताइए। मैं आ रहा हूँ। हाँ। नहीं नहीं, मैं नाम लेके बताऊंगा, मैं आ रहा हूँ उस पे जी, जिसका नाम लेना उसका ले दूंगा, चिंता मत करिए आप। अच्छा, तो दिल्ली के एक बहुत बड़े महासचिव ने, मैं इसलिए पूछ ले रहा हूँ ना कि भाई ताकि हमारे दर्शकों को ये ना लगे कि सौरभ जी नहीं है तो ये सारी, मैं इसलिए टोक के पूछ ले रहा हूँ कि ताकि हमारे दर्शकों को ये ना लगे ना कि सौरभ जी नहीं है तो आदेश जी जो है पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, इस बात का पूरा क्रेडिट जाएगा आपको। हाँ। कि लोग ये नहीं कहेंगे कि पांडे जी थे तो आदेश राहुल ने कम बोला, ना ना ना, पूरा बोलो, चिंता मत करिए। तो दिल्ली के एक बड़े महासचिव हैं जो आजकल पार्टी चला रहे हैं, मैंने पिछले शो में बताया था कि आजकल पार्टी कौन चला रहा है जी, नेता नगरी में। तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि भाई एक डमी व्यक्ति को बताया ये कि ये खड़गे जी की नई टीम है, और उन्हें केरल और तेलंगाना का महासचिव प्रभारी बना दिया है। इनको लगा कि ये हमारे कहने से चलेंगी, लेकिन वहां हुआ क्या कि जैसे ही उन्हें वो प्रभार मिला, तेलंगाना जैसे राज्य का जहां सरकार बनी है, तो वहां पे हुआ क्या कि आरोप ही लग गया है कि एक मर्सिडीज SUV ML 350 वो उन्होंने गिफ्ट ले ली है, और इस बात की जानकारी वहां के मुख्यमंत्री को भी है। किसने गिफ्ट ली है मर्सिडीज 350 MN 350? मर्सिडीज ML 350 SUV ये गाड़ी वहां की प्रभारी दीपक दासपुंसी ने गिफ्ट ली है, ऐसा आरोप वहां पे लग रहा है, और इसकी जानकारी वहां के मुख्यमंत्री को भी है। और जिस बंदे ने आरोप लगाया है उन्होंने ये कह दिया कि आप मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दीजिए, मैं कोर्ट में इस बात के सबूत दूंगा कि गाड़ी कहां से ली गई, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ, कैसे आप तक पहुंची, लेकिन अभी तक कोई भी डिफेमेशन केस नहीं किया गया।
ये थी वो मर्सिडीज की कहानी जो मैंने आपको बताई। और बेसिकली अभी तक ये जो मैटर था, ये अभी तक कांग्रेस लीडरशिप के संज्ञान में नहीं था, आज शायद ये आ गया होगा। और जल्दी ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दीपादास मुंशी वहां से छुट्टी हो सकती है, इन दोनों राज्यों से, तेलंगाना से भी और कांग्रेस से भी, केरल से भी, इन दोनों राज्यों के प्रभारी उन्हें बनाया गया था हाल ही में। वेस्ट बंगाल से आती हैं और लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये तो ये हुई मर्सिडीज की कहानी, तेलंगाना की कहानी। अब रंजन दास आपने कहा की पत्नी जो मिनिस्टर रहे और एक वक्त बंगाल के दमदार नेता माने जाते थे, दीपादास मुंशी खुद भी चुनाव लड़ चुकी, पीआरडी के नाम से मशहूर थे, आप कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लग रहे हैं दीपादास मुंशी, जिनको प्रभारी बना के भेजा गया, मर्सिडीज ली, तो ये बात जो है अब जो खड़गे जी का केबिन है उसके अंदर तक पहुंच चुकी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तक ये बात पहुंच चुकी है, ये अब सबके केबिन में, और आप ऐसे बता रहे हैं ये फिर ईडी सीबीआई को जो है फिर से एक मौका देने की कोशिश हो जाएगी, कि ईडी सीबीआई वाले देख रहे होंगे नेता नगरीत, बोले हाँ चलो यहाँ एक दावा एक और है, ये भी देख, नहीं हमारा हमारा आरोप थोड़ी है, हाँ ना लल्लन टॉप का है, ना आदेश का है, ना विनय पांडे का है, किसी का नहीं है, हाँ ये तो जिसका है वो मुकदमा झेलने के लिए तैयार है, वो सबूत के साथ ये कह रहे हैं कि भैया ये गाड़ी यहाँ से गई है, ये इसके सबूत मेरे पास है, आप मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दीजिए, मैं सारे सबूत कोर्ट में दूंगा। तो ये आप और मैं थोड़ी बोल रहे हैं जी, वो तो पब्लिक डोमेन में है जी। हाँ ये खबर दिल्ली लेट पहुंची, वो मेरे ट्वीट करने के बाद पहुंची, वो एक अलग बात है, अदरवाइज ये हमसे और आपके दर्शकों से ये खबर छूट जाती, क्योंकि तेलंगाना की ये थोड़ी दूर से आती है और हमारा ज्यादा फोकस उत्तर भारत पे रहता है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इसमें जी आदेश जी से, हाँ। क्या है कि मर्सिडीज की एक है SL 350, वो है सिडान जी, वो जी। आती है 99 लाख की और एक शोरूम जी। प्राइस हाँ। जी जो उनकी SUV है इस सिमिलर साउंडिंग, वो GLA 35 है, हाँ। वो आती है 55 लाख की, तो ये SUV है, ये SUV तो सस्ती है, SUV है तो सस्ती है, तब ये GLA 35 होगी। नहीं मुझे बताया गया शायद ML 350 है, ML 350, हाँ अच्छा ML 350 ठीक ठीक, उसका उसका प्राइस देखिए, मुझे तो पता नहीं, मैं तो गांव से आता हूँ, मुझे मैंने सुना है सामने ये हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर, मैं सर हरियाणा से हूँ, हमारे तो ट्रैक्टर होते हैं, ये ठीक है ज्यादा बता रहे, ज्यादा नहीं 66 लाख 50 लाख के करीब आती जी। नहीं नहीं ML 350 50 लाख की नहीं आती सर, 1 करोड़ से ऊपर की आती है। नहीं ML 350 49-50 लाख में मिल जाती है, आप एक शोरूम प्राइस बता रहा हूं मैं आपको। हाँ तो एक शोरूम में आप जोड़ दीजिए करीब करीब, सस्ता ही लिया ऐसा, बहुत ज्यादा नहीं लिया यार। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, चलिए वो तो खड़गे जी तय कर लेंगे कैसा लिया है। मतलब ये राहुल जी का इंटरेस्ट ये जानने में था कि ज्यादा महंगा है या सस्ता है मामला, यानी कौन कितने में बिका है। गाड़ी उधर शोरूम से निकली, इधर खबर आ गई आदेश जी के पास, 1999-2001 के आसपास राज्यसभा का एक चुनाव हो रहा था जी, और मैं उसे नाम बता देता हूँ कि कांग्रेस का जो है वो कुछ विधायकों को अपने राज्यसभा लोगों के भेजना चाहती थी और कुछ और लोग भेजना चाहते थे, तो शराब के एक व्यापारी साहब थे, वो उनका पैसा लग रहा था। अच्छा, तो मैंने एक कांग्रेस के बड़े नेता से जब बात करी, तो पुरानी दोस्ती थी, तो मुझे एक घर में ले गए कि जहां आदान प्रदान होना था। अच्छा, और BSP के 4 विधायक जो थे वो लाए गए वहां पे, वो आए, उन्होंने चाय भी नहीं पी और उसके बाद कपड़े में बंधे हुए, जैसे चादर में धोबी कपड़े देके जाता है, वैसे ही ड्राइंग रूम में 3-4 गड्डियां खुली कपड़े से बंधी हुई, और उसमें 50 और 100 रुपए के नोट थे, 12-12 लाख के लिए उस जमाने, वो उन्होंने बैठ के जी, और उन्होंने बैठ के गिने, वो बैठ करके उन्होंने गिने, हाँ। और बड़ी लंबी एक्सरसाइज चलनी थी, क्योंकि आप सोचिए 50 और 100 रुपए के नोट में वो पूरी करेंसी थी, और सोचिए उसके कुछ दिनों बाद जब हमने सुना तो कर्नाटका वगैरह में कुछ एक ड्रामा हुआ था जहां पता लगा कि 4-5 करोड़ में मामला हुआ, तो मैंने कहा देखो यार यही गरीबी है, यही बीमारू स्टेट है कि यहाँ विधायक बेचारा 12 लाख में बिक गया, वहां करोड़ों में खेल रहा है, देखिए तो यही विकास का इंडिकेटर है। वो किसका घर था? इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा राहुल जी, घर तो जान लेने दीजिए, जब सरकार महाराष्ट्र की गिराई गई तो मेरे कई साथियों ने कहा जो विधायक है कि भगवान अगले जन्म में हमें महाराष्ट्र का विधायक बना, वहां तो 100 करोड़ का रेट चल रहा है,
बिल्कुल नहीं। तो राहुल जी, वो घर किसका था जी? वो घर किसका था जहां पे वो पैसे गिने जा रहे थे? नहीं, घर तो एक बिजनेसमैन का था। अच्छा, बिजनेस, वहां बिजनेसमैन का घर था, वहां पे लाया गया था। हाँ, और सांसद जी का नाम अच्छा, आप बताएंगे? अभिनव जी, सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी है, उनका नाम नहीं लूंगा यार, नाम खराब होता है जबरदस्ती। लेकिन आदेश को बस इतना बता दूं कि जो है सदस्य कमेटी रही है ना गठबंधनीय, और उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा हाथ रहा है। अब ये देखिए, आप जो है वरिष्ठ लोगों के साथ यही दिक्कत है कि आप पुराने रेफरेंस दे करके एक दूसरे को इशारे में समझा दे रहे हैं। हमको और हमारे जैसे जो हमारे दर्शक हैं उनको भी तो पता लगना चाहिए। अरे अरे भाई, राहुल जी वरिष्ठ है, मैं वरिष्ठ नहीं, मैं तो गरिष्ठ हूँ भाई, राहुल जी वरिष्ठ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं स्टेट वाइज बोलना ये चाह रहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अच्छा। पंजाब कांग्रेस का ये कहना था कि हम विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, अगर दोनों मिल जाएंगे सत्ता और विपक्ष तो उसका बैकफायर हो सकता है, इसलिए वहां पे ये तय किया गया कि 6 सिटिंग सांसद कांग्रेस के हैं। वैसे कि 8 सीट आई थी, एक जलंधर बाई इलेक्शन में हार गए और एक महारानी परनीत कौर जो है वो उन्होंने पार्टी लगभग छोड़ ही चुकी है। तो वहां पे इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वहां पे पंजाब में अलायंस नहीं होगा। और जो पिछली बैठक हुई थी इसमें राहुल गांधी भी थे और अरविंद केजरीवाल मिले थे उनसे, तो वहां ये तय हो गया था कि 4-3 दिल्ली और 1 चंडीगढ़ कांग्रेस को मिल जाएगी, ऐसे हम लड़ लेंगे। लेकिन बीच में कई सारे पेच फंसे और फाइनली अब ये फाइनल स्टेज पे आ चुकी है कि हालांकि आम आदमी पार्टी एक हरियाणा भी मांग रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा देने के लिए राजी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने वहां तीन जो बॉर्डर से लगी हुई सीटें हैं पंजाब से, सिरसा, कुरुक्षेत्र और अंबाला, इनमें से एक सीट मांगी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अंबाला सीट है कुमारी शैलजा की, कुरुक्षेत्र एरिया आता रणदीप सिंह सुरजेवाला का, और सिरसा में इनके पास कोई है नहीं। तो हो सकता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व का दबाव बनेगा तो एक सीट सिरसा जो है वो आम आदमी पार्टी के पास ले जाए, लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। 4-3 का नंबर गुजरात की, उसमें कुरुक्षेत्र का नाम आ रहा है और कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र और सिरसा दोनों मांगा गया था। अंबाला तो नहीं मिलेगा क्योंकि वाकई कुमारी शैलजा की सीट है, तो उसको देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नहीं, कुमारी शैलजा सिरसा भी शिफ्ट कर सकती हैं, अभी वो पार्टी तय कर रही है। हरियाणा में ये 3 सीटों पे जिक्र है और 3 में से एक सीट देने पे विचार है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इस बात के लिए राजी नहीं है कि हम आम आदमी पार्टी को एक सीट दें। और जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है हरियाणा की, वो भी नहीं चाहते क्योंकि उनको ये पता है कि 3 महीने बाद लोकसभा के वहां विधानसभा चुनाव है जो उन्हें लड़ना है और जिसमें कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी आमने सामने होगी। अब बात चल रही थी गुजरात की, गुजरात में बड़ूत सीट को लेके बात हो रही है, वो सीट अहमद पटेल की है, 1977 में वो पहली बार वहां से लड़े थे। उसमें ये कहा जा रहा है कि अहमद पटेल का सेंटीमेंट वहां जुड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो सीट देना नहीं चाहती। लेकिन मेरे पास जानकारी ये है कि कांग्रेस पार्टी ने वो सीट आम आदमी पार्टी को दे दी है। आपके दर्शकों को बता देता हूं कि बड़ूच भी दे दी है और भावनगर भी दे दी है। एक सीट गोवा की बात हो रही है, बाकी सब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक ही दिक्कत है, हरियाणा वाली जो सीट है उस पर भूपेंद्र हुड्डा राजी नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी राजी नहीं है, वो भी एक ही सीट चाहते हैं। अब इसमें आम आदमी पार्टी की बात हुई, अब इसमें आगे बढ़ता हूं। अब आप देखिए, जो ओवरऑल इंडिया अलायंस है उसकी बात कर लीजिए, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर है कांग्रेस पार्टी के, जो कहीं नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, झारखंड में JMM, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे। पक्का है ये वाला पक्का है? हाँ पक्का है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तमिलनाडु में DMK जो कहीं नहीं जाएगा। हाँ। और वेस्ट बंगाल की बातचीत जो बिल्कुल बंद हो गई थी वो दोबारा शुरू हो गई है, और 5 सीट देने के लिए TMC राजी हो गई है कांग्रेस को। अच्छा। और जो मैं कह रहा था, मैं महाराष्ट्र पे आता हूँ। अब आप देखिए, एक कॉन्सेप्ट लेके आई थी BJP जो पिछले चुनाव में क्या हुआ कि जिन जिन नेताओं ने अपने बच्चों को टिकट मांगी तो BJP ने कहा कि आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, हम आपके बेटे को टिकट दे देंगे। जैसे राव इंद्रजीत सिंह ने टिकट मांगी अपनी बेटी की विधानसभा की, उनको नहीं दी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने टिकट मांगी अपने बेटे की, तो उनको कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, हम आपके बेटे को टिकट दे देंगे। अब आप महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है। महाराष्ट्र के सर्वेज ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र तेलंगाना से होने जा रहा है। तो वहां के सबसे बड़े नेता अशोक चव्हाण को तोड़ दिया गया, वो भाजपा में आ गए, उनको राज्यसभा दे दी गई। उनका 2 सीटों पर असर है, नांदेड़ और हिंगोली। इन दोनों सीटों में, नांदेड़ उनकी होम सीट है और हिंगोली में उनका असर है, मराठा नेता है।
बीजेपी अशोक चौहान को राज्यसभा भेजने के बाद उनकी बेटी को लोकसभा लड़वाने जा रही है, और दूसरे नेता है महत्वपूर्ण वहां के बड़े, जो नेता है सीएलपी के विधायक दल के विजय भट्टीवार, उन्होंने 3 दिन पहले शपथ दिलवाई कांग्रेस के नेताओं को कि हम सब शपथ लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि उनकी भी बीजेपी से डील होगी और उनकी भी बेटी को लोकसभा बीजेपी लड़वाने जा रही है। यानी जहां जहां बीजेपी को फायदा है वो अपने ही रूल्स को तोड़ रही है और ये साबित करने में लगी हुई है कि हमें किसी भी तरीके से कांग्रेस का नंबर कम करना है। लेकिन रूल कौन सा कि हम 2 लोगों को परिवार में टिकट नहीं देंगे, लेकिन अब महाराष्ट्र में उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिनको राज्यसभा मिल रही है और टिकट भी दिया जा रहा है। अब आपने कहा था कि ये लोग रहेंगे, तमिलनाडु में डीएम के साथ है वो बिल्कुल रहेगा, वेस्ट बंगाल में 5 सीटों की बात चल रही है जो आज ही शुरू हुई है और आज ही कांग्रेस ने क्लेम किया कि हमारे पास वहां 5 सीटें हैं। तो तेलंगाना में लड़ेंगे, ये उम्मीद की जा सकती है कि वो बातचीत अधीर रंजन के थ्रू नहीं हो रही है? जाहिर है उनके थ्रू कैसे होगी, उनके थ्रू पहले हो रही थी तो उसका बातचीत का बट्टा ही बैठ गया था। उसमें खबर ये है आपके दर्शकों के लिए कि इसमें लालू यादव ने इनिशिएट किया और लालू यादव और अखिलेश यादव ने दोनों ने मिलकर ममता बनर्जी से बात की कि हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, इसीलिए वो 5 सीट मिल रही है। अधीर बिल्कुल नहीं चाहते कि हालांकि उनकी सीट उसमें आ गई है 5 में, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके साथ समझौता हो। और दूसरी बड़ी बात क्या है ना, जो स्थिति पंजाब में है वो स्थिति केरल में है। लेफ्ट और कांग्रेस, लेफ्ट की सत्ता है और कांग्रेस विपक्ष में है केरल में, और ऐसे ही पंजाब में है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में कांग्रेस विपक्ष में है। तो वहां पे इन दोनों राज्यों में इनको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, और वेस्ट बंगाल में तो लेफ्ट के साथ जा ही नहीं सकते, वो अलग बात है कि राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार आज की डेट में सीताराम येचुरी हैं। और डी राजा वो नहीं, अच्छा। उनके जो सबसे बड़े सलाहकार हैं आज की डेट में वो सीताराम येचुरी हैं। और आज का भी राहुल गांधी के साथ एक और सलाहकार नजर आ रहा है, सबसे बड़ी शर्त है। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। राहुल गांधी के साथ आजकल जो है रैली और यात्राओं में एक और सलाहकार नजर आ रहे हैं, उन पे भी बात करेंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। कौन से सलाहकार आप मुझे बता दीजिए। योगेंद्र यादव जी। हाँ योगेंद्र यादव। नहीं नहीं योगेंद्र यादव क्या है ना, जब पहली यात्रा शुरू हुई थी, जो यात्रा पैदल की गई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उस यात्रा से पहले दिग्विजय सिंह को यह जिम्मा दिया गया था कि जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं उन सबको आप इकट्ठा कीजिए, और उसकी एक बैठक बुलाई गई जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए थे। और इन्हीं सिविल सोसाइटीज के लोग जो है वो हर प्रदेश में अलग अलग जो है जो भी उनके ग्रुप्स हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो जो छोटा लघु उद्योग करते हैं वो लोग हैं, तो एक्टिविस्ट हैं, उन तमाम तरह के लोगों के साथ राहुल गांधी का इंटरेक्शन होता है। तो उसमें एक छोटी सी कड़ी योगेंद्र यादव भी हैं। लेकिन जहां तक मैंने सलाहकार की बात करी, वो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा वो किसी की बात सुनते हैं और टाइम देते हैं वो सीताराम येचुरी। अच्छा जी, तो क्या सलाह किधर किस दिशा में जा रही है? आप देखिए ममता बनर्जी ने 5 सीट दे दी और वेस्ट बंगाल में उनको भी समायोजित करेंगे, लेफ्ट को साथ लाएंगे। आपकी आवाज मुझे बहुत कट के आ रही है। मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी क्या इस बात पे लिए तैयार हो जाएंगे कि लेफ्ट भी साथ में आए, क्योंकि राहुल गांधी जाएंगे तो चाहेंगे कि उनके सलाहकार भी उनके साथ रहे। नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है लेकिन आधिकारिक रूप से साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि तीन पार्टी यानी ममता के विपक्ष में 3 पार्टियां वहां हैं, जो लेफ्ट है, बीजेपी है और कांग्रेस है। अगर इनमें से 2 ही साथ में आ जाएंगी तो उसमें देखिए ट्रायंगुलर फाइट में ज्यादा फायदा होगा ममता बनर्जी को जी और बीजेपी को भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधिकारिक रूप से लेफ्ट साथ में नहीं आएगा, ना वेस्ट बंगाल में ना केरल। अच्छा, केरल और पंजाब में अंडरस्टैंडिंग होगी। कुणाल जी, एक बहुत दिलचस्प बात जो आदेश जी कह रहे थे कि पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, तो पंजाब में जो है राहुल गांधी और केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे होंगे, क्योंकि अभी की स्थिति में दोनों ही मजबूत ऑन पेपर नजर आते हैं, क्योंकि एक सत्ता में एक विपक्ष में। और दिल्ली में दोनों क्या एक दूसरे के साथ रैली करते आएंगे? कैसी विचित्र सी परिस्थिति होगी, क्या चल रहा है उस खेमे में, थोड़ा उस पर भी बताइएगा। देखिए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ निश्चित तौर पर प्रचार करेंगे पंजाब में अपने अपने कैंडिडेट के खिलाफ के समर्थन में करेंगे,
और ये बात साफ तौर पर है कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लोकल नेतृत्व को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ जम करके लड़ो। तो ये एक अनूठा टेम्पलेट है, लेकिन यही चीज़ केरल में भी होता आया है लगातार। UDF और LDF के बीच में जो हमने देखा है कि जो चलता है, दशकों से ये लड़ाई चल रही है, उसी किस्म की लड़ाई पंजाब में भी चलेगी। और पंजाब में हो सकता है, जैसे चंडीगढ़ की सीट है, वहाँ पर ज़्यादा चांस है कि कांग्रेस को मिलेगा। पवन बंसल वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि पहले कांग्रेस के सांसद और कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो सीट वहाँ पर दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ कोई तालमेल नहीं है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी को वोट दे करके जितवाया, मेयर बनवाया, उसके बाद क्या कुछ खेल हुआ वो आपने देखा भी, कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचा। तो पंजाब में ये स्थिति बिल्कुल साफ है कि आइडेंटिफाई किया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कि उनकी कौन कौन सी सीट शायद ज़्यादा ताकतवर है। हो सकता है कि कैंडिडेट के लेवल पे कुछ मजबूत, कुछ कमज़ोर कैंडिडेट उतार करके एक दूसरे को इनडायरेक्ट सहयोग किया जाए, लेकिन वहाँ चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये बात तो जरूर है कि कांग्रेस को बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलेगी तो उसको मिलेगा नहीं, और वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही बोलेगी। और ये भी मजेदार बात है कि ये चुनावी जो तालमेल है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है, 6 महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव होना है, और वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर भी एक बार एक दूसरे के खिलाफ फिर से लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। वहां कोई तालमेल नहीं होगा, ये भी लगभग फाइनल समझिए। और ये जो आम आदमी पार्टी असम में एक सीट मांग रही है, ये क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, वहाँ पर जो अभी वहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी ने अपना अपनी एंट्री मारी, वहाँ पर कुछ सीटें जीती, और उस आधार पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि टीएमसी भी असम में मांग रही है, दावेदारी कर रही है। तो अच्छा, ये तमाम जो चीज़ें हैं कि असम का जो की जो 13 सीटें हैं वहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी, अभी वहाँ पर ये तय नहीं है कि आम आदमी पार्टी को असम में कांग्रेस सीट छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो टीएमसी के साथ बातचीत चल रही है उसमें निश्चित तौर पर टीएमसी के लिए सीट छोड़ने की बात इस समय चल रही है। 1 या 2 सीटें कांग्रेस वहां पर टीएमसी के लिए छोड़ सकती है। उसी तरीके से मेघालय में तुरा सीट को लेकर के, जहां से कभी पीए संगमा चुन करके आते थे, वो टीएमसी अपने लिए सीट मांग रही है, कांग्रेस उसको देने पर नहीं तैयार हो रही है। तो ये जो पूरा एक तरीके से इंडिया गठबंधन की रूपरेखा है, वो फाइनल स्वरूप कहां कहां किस किस राज्य में लेगा, और किस कुछ राज्य ऐसे भी छूट सकते हैं जहां पर एक फ्रेंडली मैच हो, जैसे पंजाब तो अब पक्का है, केरल पक्का है, हो सकता है गोवा में अभी तक आम आदमी पार्टी ने साउथ गोवा सीट पर, जहां से कांग्रेस के सिटिंग एमपी हैं, वहां पर उम्मीदवार दे दिया, अपने विधायक को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि अब वो उम्मीदवार वापस हो जाएगा जब गठबंधन एक बार फाइनल होगा। तो कई सारी चीजें अभी धीरे धीरे फाइनलाइज होती रहेंगी, और तब हमें एक क्लियर पिक्चर कुछ दिनों के बाद। अच्छा, इसमें कुणाल जी एक और, मैं आम आदमी पार्टी पे बता रहे हैं तो एक बात और बता दी, केजरीवाल जी के करीब में आजकल कौन है? जैसे पहले मनीष सिसोदिया नजर आते थे, और जो ये सत्येंद्र जैन नजर आते थे, अब वो कौन लोग हैं जो केजरीवाल को सलाह देने की स्थिति में होते हैं और जिनकी सलाह को कंसीडर किया जाता है, खासकर लोकसभा के मद्देनजर? देखिए, संदीप पाठक है एक, जो सबसे बड़ा नाम है वो आज की तारीख में संदीप पाठक, और जो लाइमलाइट में नहीं रहते, संदीप पाठक लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, लेकिन जितना भी सर्वे का काम है और ग्राउंड पे जो आंकड़े जुटा करके उन्हें एक तरीके से कि कौन वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, इसमें संदीप पाठक की भूमिका बहुत ज्यादा, और जितना भी गठबंधन को लेकर के बातचीत हुई है उसमें संदीप पाठक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि सरकार के स्तर पर सौरभ भारद्वाज, आतिशी भी हैं, लेकिन चुनावी रणनीति को बनाने के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संदीप पाठक की साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। उसके अलावा खुद अरविंद केजरीवाल इन तमाम चीज़ों में माहिर हैं, उनका खुद का इंटरेस्ट है, वो लगातार नज़र रखते हैं, तो अरविंद केजरीवाल अपना भी एक उनका अपना भी सिस्टम है जिसके हिसाब से वो तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं। तो ये अभी साफ तौर पर अगर हम रणनीति, चुनावी रणनीति की बात करें, तो उसमें संजय सिंह के जाने के बाद, पहले संजय सिंह बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, उसमें मनीष सिसोदिया भी उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं निभाते थे, उनको सरकार में व्यस्त रखा जाता था, संजय सिंह के जाने के बाद निश्चित तौर पर इस समय संदीप पाठक की भूमिका और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई।
और बाकी तंत्र जो चुनाव तो तंत्र के साथ लड़ा जाता है ना, बाकी तंत्र कौन मैनेज करता है, खासकर कि केजरीवाल? और जब ऐसे समय में जब इतने सारे ईडी के समन्स आ रहे हैं, और अभी एक आतिशी का बयान भी आया था उनका, उन्होंने कहा कि इंडिया एयरलाइंस से अलग नहीं हो जाते तो गिरफ्तार करेंगे और ये वो, इस तमाम घटनाक्रम के बीच अच्छा इसको कैसे देख रही जो समन्स है उसको आम आदमी पार्टी कैसे देख रही? और दूसरा कि जब ईडी की नजर कई नेताओं पर है तब ये फाइनेंसेस और ये सारा कुछ मैनेजमेंट कौन करता है? देखिए बहुत सारी चीजें इस एक इसमें कॉर्पोरेट कल्चर है एक आम आदमी पार्टी में। जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करते हैं ना, एक न्यूज मीटिंग होती है, उस तरीके की मीटिंग हर रोज आम आदमी पार्टी में होती है। ये एक यूनिक कल्चर है और वहां पर यह तय किया जाता है कि कौन कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, किस मुद्दे पर होगा, घंटे घंटे में होगा या दो घंटे के बाद होगा, 4 बजे कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 5 बजे कौन सी होगी, कौन सी खबर मीडिया में जाएगी, कौन सी खबर अभी नहीं दी जाएगी, अभी 2 दिनों के बाद देना है, ये तमाम चीजें उनकी एक कॉन कॉल जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसमें तय होती है। इसके अलावा जो एनडी गुप्ता है, एनडी गुप्ता की भूमिका, कई लोग सोचते हैं कि एनडी गुप्ता बुजुर्ग हैं, उन्हें क्यों दोबारा राज्यसभा की सदस्यता दी गई, वो उनको सांसद बनाया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि आज से 5-6 साल पहले जो इनकम टैक्स का नोटिस इस समय कांग्रेस जूझ रही है वही हालत आम आदमी पार्टी की थी। इनकम टैक्स के नोटिसेज लगातार आ रहे थे, वहां पर बतौर सीए एनडी गुप्ता ने उनके अकाउंट्स को संभालने में, एक तरीके से अकाउंट को क्लीन करने में, उसको दुरुस्त करने में, पाई पाई का हिसाब रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और अभी जो ईडी का पूरा एक तरीके से चक्र में फंसे हुए हैं केजरीवाल और उनके मंत्री जो पुराने मंत्री रहे थे, उनको भी संजय सिंह का है, उन सबको पीछे से एक बैकहैंड सपोर्ट एनडी गुप्ता का मिलता है। और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब छापा पड़ा था तो एनडी गुप्ता के घर में भी छापे डाले गए थे ईडी की तरफ से। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, लेकिन उनके पास रणनीतिकार बहुत बड़े बड़े ना हो लेकिन छोटे छोटे जो उनके सहयोगी हैं उनको एक साथ रख करके चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। और खास तौर पर जैसे मैंने बात की कि सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, संदीप पाठक हैं, ये फ्रंट फेस हैं जो कि सामने रख करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाया जाता है और रणनीति भी, चुनावी रणनीति या मीटिंग में भेजा जाता है। राहुल गांधी आजकल मैं देख रहा हूँ काफी एग्रेसिव हैं, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, पत्रकार को भी डांट दे रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मालिक कौन है, और वो घुमा फिरा के बात ले जाते हैं कि ओबीसी पॉलिटिक्स पे कि 73% और ये सारी बातें। आप ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अभी जैसे हमने बहुत दिनों से ओबीसी पॉलिटिक्स हम इस देश में देख रहे हैं और बहुत मजबूती से इसका उभार भी हुआ है और अच्छे दमदार नेता हुए, बीपी सिंह भी हों, चाहे लोहिया जी रहे हों, चाहे उसके बाद के भी क्रम में आएंगे कर्पूरी ठाकुर और बाकी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और अब जो स्थिति है। राहुल गांधी के पास ये फॉर्मूला कब से आया कि अपने कांग्रेस को भी अब ओबीसी मूवमेंट के साथ चलना चाहिए, ओबीसी की पॉलिटिक्स करना चाहिए? किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी पलट के अगर ये सवाल पूछेगी कि भाई आपके आप मुख्यमंत्री उठा के देखो तो सारे जो है पांडे, त्रिपाठी, द्विवेदी, पंत, बहुगुणा यही निकलेंगे, तो ये पॉलिटिक्स जो आई है ये कहां से आई है और इसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए राहुल गांधी को ये लगता है, उनके सलाहकार उनको इस बताया रणनीतिकारों ने कि धर्म की जो धर्म को जो कोई काट सकता है वो जाति काट सकती है, इसीलिए उन्होंने धर्म की बात ना करके अगर वो धर्म की बात करें तो बीजेपी के पिच पे खेलेंगे और वहां वो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, ये सबको पता है। और उसका एक उदाहरण है कि जब राम मंदिर प्रतिष्ठान प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम का निमंत्रण मिला और उसकी और किस भाषा में कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया, उससे इस बात का सिद्ध हो गया था कि कांग्रेस पार्टी इस ट्रैप में, या मैं कहूं कि ये बेवकूफी करेगी करेगी, वो हुई भी। तो इनके रणनीतिकारों ने इनको ये समझाया है कि जाति ही एकमात्र ऐसा कार्ड है जो जो धर्म को हरा सकता है, तो इसलिए राहुल गांधी जो है वो ओबीसी की, एससी की, एसटी की इनकी बात कर रहे हैं कि कितना प्रतिशत, और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जब वो कहते हैं कि एक्सरे क्या है कि हम बताएंगे आपको कि कितने आपकी पॉपुलेशन है, कितना आपका हक है, और जहां तक आपने ये कहा कि मीडिया के लोगों को डांट दे रहे हैं या उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन जाति के हैं, दरअसल राहुल गांधी को ये लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के और उनके खिलाफ है, और इसीलिए आप देखेंगे कि
पिछली पूरी यात्रा में 3,700 किलोमीटर की पैदल यात्रा में या फिर इस यात्रा में राहुल गांधी ने एक भी मेन स्ट्रीम चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया, किसी को भी, एक सिंगल बाइक भी नहीं होगी, क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो अदर देन जो भी मीडिया का माध्यम है, अदर देन मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी और अखबार, वो आपके साथ नहीं है और ये बाकी जो लोग हैं ये आपके साथ हैं, इसीलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या उनसे हो जा रहा है या जो भी परिस्थितियां वहां पे होती होंगी, मुझे उसके डिटेल नहीं पता क्योंकि मैं वहां पे मौजूद नहीं था। तो जबकि ऐसा नहीं है जैसा उनको ये फीडबैक कि पूरा का पूरा मेनस्ट्रीम मीडिया उनके खिलाफ है या उनको दिखाता नहीं है। दरअसल जितना स्पेस मिलना चाहिए, उनकी शिकायत ये होनी चाहिए कि हमें स्पेस कम मिल रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आपको स्पेस बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा कारण है उनके इस रवैये का जो मीडिया के साथ हो रहा है। मुझे याद है जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस ऑफिस में और एक हमारे साथी हैं जो कांग्रेस बीट सालों से कवर करते रहे हैं, उन्होंने उन्हीं से पूछ लिया था, उनको ही कह दिया था कि आप तो बीजेपी के व्यापे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो पहचानते नहीं है कि कौन कौन लोग इनमें से आपको कवर करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं। तो फिर बाद में संगठन महासचिव ने उनसे माफी मांगी थी कि मैं माफी चाहता हूँ, आप पहचान नहीं पाए आपको। तो ऐसा तो पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा होता रहता है। दरअसल क्या है ना, फर्क देखिए आप, जब प्रधानमंत्री बीजेपी बीट रिपोर्टर्स के नाम तक जानते हैं कि ये लोग हैं, ये ऐसे ऐसे इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, राहुल गांधी 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों को या अदर देन कांग्रेस पत्रकारों को पहचानते नहीं है, वो सबको बस कैसे हो भैया कैसे मिल लेते हैं और जान लेते हैं। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे प्रियंका गांधी के साथ, तो वो सबको नाम से जानती हैं, सबको पहचानती हैं, तो ये एक फर्क है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये फीडबैक जिसने दिया है कि आपके खिलाफ मेनस्ट्रीम मीडिया है, अखबार आपके खिलाफ है, सिर्फ यूट्यूबर्स आपके साथ हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है इस तरह के रवैये का। पता नहीं, मैं आदेश जी आपको बताऊं, मैं कश्मीर में था जब भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज हो रही थी, तो हमने भी कोशिश की कि एज ए ललन टॉप को आपको इंटरव्यू देना चाहिए। तो पहले तो जो पहले लेयर की स्क्रूटनी होती उसमें ही इस तरीके की शर्तें बताई गई जिसको फुलफ़िल करना बड़ा मुश्किल था कि पहले राहुल गांधी के चैनल पे रिलीज़ होगा, उसके बाद फिर दूसरी फिर बात आगे बढ़ी तो पता लगा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे रहे हैं, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ थी। और एक एक यूट्यूबर ने इंटरव्यू कर लिया इस शर्त के साथ कि पहले वो राहुल गांधी के चैनल पे आएगा। अच्छा। लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, अपने रिलीज कर दिया और बाद में वो वहाँ पे आया। तो अच्छा, ये तो अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और जो लोग ये सेट करते हैं ना, दरअसल मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर आप सिर्फ यूट्यूबर्स को ही देते हो ना, तो आप उन्हीं को दो, लेकिन उसमें भी लाइकिंग डिसलाइकिंग शर्तें, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। पिछली बार मेरी बात हो रही थी जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो वहां के एक संपादक है, उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शिकायत करती है कि हमको जो है कम स्पेस दे रहे हैं, हमको कम स्पेस दे रहे हैं, बीजेपी को ज़्यादा। तो बोले कमलनाथ की एक कमलनाथ रैली कर रहे थे और दिग्विजय सिंह थोड़ी बहुत रैली कर रहे थे, दो लोग रैली कर रहे थे, तो जहाँ जाते थे भाई, अगर होशंगाबाद में रैली की तो होशंगाबाद के अखबार में छप गया, मेन एडिशन में नहीं छपा। तो बोले इनके दो लोग और रैली कर रहे हैं और बीजेपी का पूरा दल बल, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब लगे हुए। तो बोले स्पेस तो ऐसे ही बढ़ जाता है जब एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो खैर, आपने आपने कमलनाथ की बात कर दी, जाते हैं किस्सा सुन ली थी। अच्छा, दर्शकों के लिए ठीक है। क्या हुआ, अभी जब ये खबरें आई कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं अपने बेटे के साथ और उनके साथ छिंदवाड़ा के विधायक भी जाएंगे, तो दोबारा से एक बहुत बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनके पास एक फोन आया, कहा कि सर वो तो डील खराब हो गई है और कमलनाथ अब कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। तो उनका जवाब था कि ये पार्टी का और हमारा दुर्भाग्य है कि वो उस पार्टी में ही रहेंगे, कृपया करके उन्हें भेज दीजिए। अब ये उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे का आपको लॉजिक देता हूँ। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जब ये खबर आई कि वो जा रहे हैं छोड़ के, बीजेपी जा रहे हैं अपने बेटे के साथ, कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात को मान लिया कि चुनाव से पहले इन्होंने बीजेपी के साथ डील कर ली थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी वहां बुरी तरीके से हारी। पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कोनुगोलू और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो महासचिव प्रभारी थे, उन्होंने चुनाव के बीच में ये रिपोर्ट दी थी कि कमलनाथ जी जो है वो कैंपेन पे, प्रचार प्रसार पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को जो चूज किया वो अच्छे से चूज नहीं किया गया, टिकट ठीक से नहीं बटी है, आप कुछ करिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी ने कमलनाथ को दिल्ली बुलाया और उन्होंने कहा कि
ये रवैया आपका ठीक नहीं है, ऐसे हम चुनाव हार जाएंगे, इसको आप ठीक कीजिए। तो वहां उन्होंने हाँ भर ली, हाँ भर के चले गए। भोपाल पहुंचते ही वो वापिस उसी ट्रैक पे आ गए। और अब जब ये खबरें आई तो नेतृत्व को ये लगा कि हमारा वो ये कहना बिल्कुल सही है। अब कमलनाथ जी नहीं गए, कांग्रेस पार्टी इस बात का अफसोस मना रही, तो पार्टी इसको सेटबैक के तौर पे देख रही है। हाँ, सेटबैक के तौर पे देख रही है। चलिए राहुल जी, दर्शकों को नमस्कार, थैंक यू। राहुल जी, मैं ये ओबीसी पॉलिटिक्स की जो बात हो रही थी इस पे मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि जैसे ये कहा, राधेश जी ने कहा कि धर्म की पॉलिटिक्स से बचने के लिए कहा गया, तो राहुल गांधी ने वो, कांग्रेस पार्टी ने वो भी करके देखा, गुजरात चुनाव में हमने देखा जनेऊ पहन के, या फिर अभी जैसे वाराणसी गए थे तो दर्शन किए तो नहीं हुआ। तो एक कॉमेडियन है, उन्होंने वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे थे, बोले कि टीका लगा के आप लड़ाई कर रहे हैं, सामने वाला जो है वो भस्म लपेटे बैठा हुआ है। और यही बात अब ओबीसी पॉलिटिक्स पे क्या लागू होती है कि राहुल गांधी ओबीसी राजनीति की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी तबके से आते हैं, तो इसको किस तरीके से बीजेपी देख रही है राहुल गांधी के इस दांव को? देखिए, क्या है कि पॉलिटिकल लाइन जो होती है वो एक लेगेसी होती है जी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक एक तरह का खजाना होता है आपके पास, वो बैगेज भी हो जाता है। अगर आप देखिए तो 2017 में कुर्ते के साथ जीन्स पहन के राहुल गांधी थे। अगर आप पुराना उस टाइम का देखें यूपी के कैंपेन में, तो कुर्ता जीन्स बहुत इन वोक था। आजकल टी शर्ट और ट्राउजर चल रही है। गुजरात का चुनाव याद करिए, 2012 का मेरे ख्याल से, तो वहां पे एक शुरुआत हुई थी हिंदुत्व की ओर, जब कांग्रेस की एक पुरानी रिपोर्ट को झाड़ पोंछ करके निकाला गया कि माइनॉरिटीज के कारण हमको मेजॉरिटी को ऐसा सिग्नल नहीं देना चाहिए कि हम माइनॉरिटी की पार्टी हैं। तो अचानक हिंदुत्व का एक नया शौक जगा था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। और उस दौरान 38 या 58 ऐसे कुछ मठ और धर्मगुरुओं को विजिट हुए थे। नर्मदा आरती से शुरुआत हुई थी कैंपेन की, मध्य प्रदेश में भी हुआ, दिग्विजय सिंह लंबी नर्मदा यात्रा करके आए। और ये हिंदुत्व का भूत एक जो है वो चलता चला गया। ये मध्य प्रदेश में अगर अभी देखें तो मध्य प्रदेश के हाल के चुनावों में भी हुआ कि हिंदू वाहिनी को शामिल कर लिया गया कांग्रेस पार्टी के अंदर। और मैंने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर पहली बार जय श्री राम और भक्ति संगीत के ऐसे स्वर सुने जो कि नहीं सुने थे। तो कोशिश, आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी बड़े दिनों तक अपने ट्विटर हैंडल पे गिर हुआ एक पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे, बाबाओं के चरणों तो में नजर आए की लहर बनी। ये तमाम तस्वीरों तो देखी ही थी जी। और अब जो है वो इन वोग जिसे कहते हैं ना फैशन में, अब कास्ट जो है वो इन वोग है, क्योंकि किसी ने ये बता दिया है, ये थ्योरेटिकली सही है कि बीजेपी के लिए एक समय पे कास्ट को मैनेज करना मुश्किल था। और इसीलिए आप देखिए कि जिस समय पे मंडलाइजेशन हो रहा था पॉलिटिक्स का, आप लोग इस समय बात नहीं करते कि कास्ट के मामले में ओबीसी का जो धर्म गुरु होना चाहिए वो होने चाहिए काशीराम, वो होने चाहिए मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और वीपी सिंह साहब जी। सालों से पड़ी हुई मंडल कमीशन रिपोर्ट को हिम्मत नहीं थी कांग्रेस पार्टी में कि वो उसको इंप्लीमेंट कर दे, क्यों नहीं कर दिया गया जी। अगर आप कह रहे हैं कि पत्रकारों से नाराज है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के भाषण देखिए कि वो खफा है किसी बात से, मगर ये मेरे को क्लियर नहीं आ रहा कि कारण क्या है। आप देखिए कि वो पत्रकारों से खफा है, पत्रकारों को पूछ लेते हैं कि उनकी जात कौन सी है। साहब, जात अगर नहीं आप पूछ रहे हैं तो आज से कुछ समय पहले आप जनेऊ दिखा रहे थे मुझे, और वही पत्रकार आपसे पलट के पूछ ले जाते, आप तो पलट के पूछ ले कि आप जनेऊ दिखा करके अपने आप को क्या दलित या ओबीसी सिद्ध कर रहे थे, या अपने को किसी से पृथक पृथक नहीं दिखा रहे थे, तब आप हिंदू दिखाने के लिए अपने आप जनेऊ दिखा रहे थे। और वही नेता आज पत्रकार से जात पूछता है। दो लाइनें आप देखिए कि एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट को डर्टी वर्ड बना दिया जा रहा है, प्रेस को पूरा ब्रांड कर दिया जा रहा है कि प्रेस जो है वो अपर कास्ट की मानसिकता से वो लेकर के चलती है।
उस तरफ से अगर आप उसी में अगर आप जाए तो ओबीसी का जो ये ट्रैक नया चला है, इस ट्रैक में लोगों को आप कह रहे हैं एक सेलेक्टिव अमीजिया हो जाए कि वो आज आपको मान ले कि अब ओबीसी का भला होगा तो वो राहुल गांधी या कांग्रेस के जरिए होगा। हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी की तरफ जो ओबीसी और एमबीसी गया था उसमें एक सेंस ऑफ डिसिल्यूजनमेंट हो, लेकिन बीजेपी की राह देखिए कि उसने उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे तो आउट ऑफ द ब्लू मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। ये अखिलेश यादव नहीं कर पाए कि परिवार से बाहर किसी को मुख्यमंत्री यादव को नहीं बना पाए। आप अखिलेश यादव की पार्टी देखिए तो कोई भी एक बहुत डोमिनेंट नेता जो है वो यादव नहीं है, वो एक क्राइसिस है पार्टी की, क्योंकि उसको एक्सपैंड करना है जी। उसको एक्सपैंड करना है अपने कास्ट बेस को, तो यादव डोमिनेशन अगर यादव को यादव बना देता है चीफ मिनिस्टर या अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या कुछ, तो वो परेशानी आ जाती है। वो अखिलेश यादव की आज की परेशानी है, वो एक टिरनी है कास्ट पॉलिटिक्स की। कास्ट तोड़ सकती है, लेकिन बीजेपी ने कास्ट के डोमिनेंस को पहले हिंदुत्व मोदी जैसे प्रखर हिंदुत्व के नेता को लाके, उसके बाद अपनी डिलीवरी सिस्टम यानी राशन की राजनीति जो है, राम राशन और रिप्रेजेंटेशन, तीसरा उसने जो किया है वो ओबीसी और एमबीसी को रिप्रेजेंटेशन दे करके टूली उनको दिखाया है कि वो हम उनके हितैषी हैं। और जो पहले हुआ करता था कि यादवों के टाइम में यादव या जाटवों के टाइम में जाटव, वो पॉलिटिक्स को हम दूर ले आए हैं। अब इनसे पार्टी कास्ट की लाइन लेकर के इन लोगों को तोड़ना, ये देखना होगा कि वो किस इशू पे होता है जी। बैकवर्डनेस एक टेम्पलेट नहीं है साहब, बैकवर्डनेस एक स्टेट ऑफ बीइंग है जिसमें लोगों को नौकरी रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई समाज में सम्मान नहीं मिलता है जी। उस इशू पे जाकर के पॉलिटिक्स करनी होगी, तब जाकर के कास्ट की लाइन बढ़ेगी। अदरवाइज तो साहब वही है कि थोड़े दिन तो हिंदू टेम्पलेट था वो बस लपेटे पड़ा है, और दूसरी तरफ वो ओबीसी है वो सबको रिप्रेजेंटेशन दिए पड़ा है। हाँ। अच्छा हमारे इस पे आपने बहुत अच्छे से बात रख दी। हमारे गांव में एक फग्गन चाचा वो भी बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि लल्ला जो है बेटा तुम लोग को दिख नहीं रहा है, अपनी भाषा में कहते हैं कि अवधि हमारे यहाँ बोली जाती है कि तो सबके तो दिखाते ही नहीं बट बीजेपी के मंडल में भी बीजेपी के कमंडल के अंदर भी एक मंडल है और उस मंडल के तहत वो जो है एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाता है तो एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को दिया जाता है। तो नेता नगरी के पहले सेशन में इतना ही, आगे और जो परिदृश्य भारतीय राजनीति में 2024 के चुनाव के मद्देनजर खींचते जाएंगे नेता नगरी में अंदर खाने की बातें इस तरीके से होती रहेंगी। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेशन की तरफ जो किसान आंदोलन पर है। गठबंधन की राजनीति पर चर्चा के बाद अब बारी हमारे दूसरे सेशन की है जिसमें हमें बात करना है किसानों के मुद्दों को लेकर के। देखिए एक बड़ा ज़रूरी सी बात है जिस पे ध्यान आदमी का देर से जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी के पीठ पे चोट लग जाए और वो उसको इग्नोर करे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, देखना नहीं है, उसकी तरफ देख नहीं रहा है, तो कई बार वो चोट ज़ख्म में बदलती है और ज़ख्म कई बार नासूर होते हैं। और जब नासूर ज़ख्म 13 महीने का हो जाए तो सरकार को अपना फैसला पलट करके उस ज़ख्म का ऑपरेशन करना पड़ता है। इस बार वैसी कोई नौबत ना आए इसलिए पहले से ही मोदी सरकार एक एहतियात बरत रही है और किसानों को पंजाब में ही हरियाणा पुलिस ने रोक रखा है। लेकिन क्या चोट लग गई है पीठ पे, क्या वो ज़ख्म बनने की कोशिश में है, और ये तमाम पाबंदों से इतर अगर बात करें तो जो किसान की मांगे हैं और जो बॉर्डर पे जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसकी राजनीति पर, उसके अंदर खाने की बात पर, जो एमएसपी को लेकर के बैठकें हुई उस पे क्या चल रहा है, सरकार ने क्या प्रस्ताव दिए, किसानों की क्या मांगे हैं और किस पे बात फंसी हुई है, और जो आंसू गैस के गोले चले एक किसान की मौत हुई, उन तमाम घटनाक्रम पर हम इस चर्चा में बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए चार प्रमुख मेहमान हैं। यादविंदर सिंह जी हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं प्रो पंजाबी टीवी के। यादविंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी हैं जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, और देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो किसानों के, हरियाणा और पंजाब के किसानों के मुद्दों पर बात रखेंगे जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ रविंद्र सिंह शेरोन जी हैं, पत्रकार हैं, शंभू बॉर्डर गए थे कवरेज के लिए हरियाणा में किसान आंदोलन की जो राजनीति है उस पर बात करने के लिए, स्वागत है आपका भी। धन्यवाद।
विनोद आनंद जी हैं हमारे साथ, जो एमएसपी की जो कमेटी है उसके मेंबर हैं और राष्ट्रीय किसान महासंघ जो कक्का जी के साथ बनाई गई थी उसके फाउंडिंग सदस्य भी हैं। विनोद जी हमें इस पे बताएंगे कि एमएसपी की मांग को लेकर के क्या अड़चने हैं और क्यों सरकार तैयार नहीं हो रही। स्वागत है विनोद जी। तो मैं जो है, ये मांग क्या है ये ज़्यादातर लोगों को पता है, एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग हो रही कि एमएसपी तो सरकार दे ही रही है फसलों पे, उस पर गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान और उसको लेकर ये आंदोलन खड़ा हुआ। 10 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यादवेंद्र जी आपके पास सबसे पहले आऊँगा, आंदोलन की मांगें और सरकार का जो रुख है उससे इतर जो सामने दिखने वाली चीज़ है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। जो 2024 का चुनाव है, ये आंदोलन 24 को चुनाव को कैसे प्रभावित करने जा रहा है? देखिए, पहले भी हमने देखा कि खास तौर पर ये जो ये प्रदेश है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में हम देखें तो यहां पर असर पड़ता है। और यहां के असर को रोकने के लिए पिछले टाइम भी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की थी, जब बड़ी बड़ी महापंचायत हुई थी तो ये 101% है कि अब तक ही मुझे लगता है कि अभी तो चीजें आगे बढ़नी है, अभी तो बहुत सारी चीजें आगे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो चीजें थम जाएंगी, क्योंकि तब क्या किस गवर्नमेंट से वो मांगेंगे, उसके बाद आंदोलन शुरू होगा, उस डीरेल हो जाएंगी। मोदी गवर्नमेंट भी इसलिए मीटिंगें कर रही थी कि मीटिंगें होती रहे, चीजें चलती रहे, क्योंकि अभी तक तो कुछ सफिशियंट तो कुछ आया नहीं। वो जो गवर्नमेंट ने बोला कि पांच फसलें थी उस पर हम एमएसपी दे देंगे, पर सबसे बड़ी बात यही है कि पॉलिटिकली ये जो एरिया है खास तौर पर, जहां पर चाहे वो जब जाट आंदोलन हुआ था, क्योंकि जाट आंदोलन सिर्फ एक कास्ट आंदोलन था, कास्ट से जुड़ा हुआ था, इसका दायरा बड़ा है क्योंकि किसान सिर्फ जाट नहीं है, किसान और भी जो लोग हैं बहुत बड़े पैमाने पर, जो ओबीसी कम्युनिटी है पंजाब में, दलित कम्युनिटी है पंजाब में, इवन की हिंदू कम्युनिटी भी है पंजाब में, तो आपको बहुत सारे लोगों को के पास लैंड मिलेगी, तो लैंड से जुड़े जो भी लोग हैं उनमें सब में ये बात चल रही है। इसलिए जो आप राजनीतिक तौर पर पूछ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, मेरा ये मानना है, मेरी बात हो रही थी किसी लीडर से, उन्होंने पूछा कि क्या आपका क्या अंदाजा है, क्या हो गया होगा अब तक। मैंने कहा कि बाकी चीजों में पोलराइजेशन हो जाता है जब बाकी चीजें चलती है, किसानों के मामले में कोई काउंटर पोलराइजेशन भी नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि हरियाणा और पंजाब में, क्योंकि ये दोनों प्रदेशों को मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ, यहाँ पर मैंने पत्रकारिता भी किया, यहाँ आना जाना है, रिश्तेदारियां हैं, तो यहाँ पर बीजेपी का नुकसान हुआ है। फायदा किसको होगा? आम आदमी पार्टी को ज्यादा होगा, कांग्रेस को ज्यादा होगा, ये देखना होगा कि फायदा किसको होगा, क्योंकि जिसके पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट भी है, जो भी जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें कौन आगे कौन पीछे, कितना कम कितना ज्यादा, ये हो सकता है। पर बीजेपी का नुकसान जरूर इसमें, और बीजेपी के लीडर भी मानते हैं, और बीजेपी के लीडर घर से बाहर निकलना, उन्होंने एक्टिविटी भी पंजाब में, अगर आप देखेंगे दोनों प्रदेशों में, पंजाब में देख रहे हैं या पंजाब में, वो कम हुई है। बीजेपी का जो नुकसान आप बता रहे हैं वो सिर्फ पंजाब में देख रहे हैं जहां बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, या फिर आप हरियाणा में भी देख रहे हैं जो जहां 11 लोकसभा सीटें और 10 उसमें बीजेपी के पास है? बीजेपी पंजाब में सबसे ज्यादा गेन करेगी, उसका कारण ये था, इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा गेन करना है। अगर आपके ही चैनल इंडिया टुडे का आप सर्वे देखेंगे उसमें पंजाब में 18% बीजेपी दिखाई गई, अकाली दल को कम परसेंटेज दिखाई गई है वोट पर, जो शेयर है 2024 का जो अंदाजा आपने लगाया, जो आपका सर्वे था इंडिया टुडे का, उसमें भी ये आया है। तो मेरा भी ये मानना था कि इस चुनाव में बीजेपी एज ए परसेंटेज वोट शेयर के तौर पर, सीट उसको कितनी आती है कितनी नहीं आती अलग बात है, क्योंकि बीजेपी पंजाब में हमेशा 3 सीटों पर लड़ती थी, अकाली दल 8 सीटों पर, बाकी सीटों पर लड़ 13 सीटें हैं पंजाब में टोटल, चंडीगढ़ मिला के 14 है पंजाब में, 13 सीटों से 3 पर बीजेपी लड़ती, 10 पर अकाली दल लड़ता था। तो अब बीजेपी ने 13 की 13 लड़नी थी, तो 13 के 13 जहां अकाली दल के साथ अगर अलायंस भी होता तब भी बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी इस बार 6 सीटें मांग रही थी, अकाली दल को कम कह रही थी कि आप 7 पर लड़िए और हम 6 पर लड़ते हैं, अकाली दल मान नहीं रहा था, पर वो समझौता हो जाना था अगर किसान आंदोलन बीच में ना आता। ये भी एक बड़ा राजनीतिक जो आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर आंदोलन ना होता, अगर आंदोलन का इस तरह का माहौल ना बनता तो अकाली दल बीजेपी अलायंस अब तक अनाउंस हो जाना था। वो इसीलिए रुक गया क्योंकि अकाली दल को पता है हमारा बेस है जो, क्योंकि गांव की पार्टी माना जाता है अकाली दल को, किसानों मजदूरों की पार्टी माना जाता है अकाली दल की। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे
बाद में तो अकाली दल बहुत सारा बदला का, जैसे बाकी देश में पार्टियां बदली, बाकी पार्टियों की राजनीति बदली, उसी तरह से अकाली दल की भी राजनीति बदली। पर अकाली दल का जो अभी भी कोर वोट बैंक है वो गांव में है। सिख वोट बैंक भी जो गांव वाला है वो अकाली दल के साथ हमेशा रहता है। शहर का जो सिख है वो माना जाता है कि अकाली दल से दूर दूर रहता था, तो ये भी असर पड़ा है। और पंजाब में तो मेरा 101% मानना था कि बीजेपी ने सबसे बड़ा, मतलब बीजेपी ने गेन बहुत करना था, मतलब बीजेपी को वोट शेयर बहुत बढ़ना था, उसका नुकसान हो गया। मेरा तो ये मानना है, एक अंदाजा है मेरा, ऐसे कोई कैलकुलेशन होती नहीं है राजनीति में, पर मेरा ये मानना है कि 5-6% तो लूज कर गई होगी बीजेपी। ये मेरा एक अंदाजा है, जैसे क्योंकि हम भी गांव से आते हैं, मेरा गांव भी पंजाब में बरनाला के पास है, वहां लोगों से बात होती है, पंजाब में जहां यहां पर हम एज ए पत्रकार जाते हैं उनसे बात होती है। तो हालांकि कैलकुलेशन तो कोई नहीं है, पर मेरा मानना है कि बीजेपी का पंजाब में, हरियाणा में, दोनों जगह नुकसान होगा। कितना होगा, कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, उसका फायदा किसको होगा, ये तो राजनीति में आपको ही पता है, उसी टाइम पता चलता है जब चीजें डेवलप होती है, क्योंकि टाइम बहुत पड़ा है चुनाव में। अभी चुनाव में तो दो दिन भी, घंटों में राजनीति बदल जाती है, दिनों में राजनीति बदल जाती है, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अच्छा, एक और सप्लीमेंट्री सवाल इसी चुनाव से जुड़ा हुआ, और ये जो आंदोलन है, जो एक किसान की मौत हुई उसको लेकर के पंजाब में क्या प्रतिक्रिया है? उसको लेकर भी देखिए बहुत ही इमोशनल माहौल है, दो बहनों का, वो एक भाई था, और पंजाब में आपको भी पता है बहुत ही सेंटिमेंटल हैं लोग, और पंजाब की जो हिस्ट्री भी आप उठा के देखोगे बहुत इमोशनल हिस्ट्री है, खासतौर पर यहाँ पर डेथ हुई है वो मालवा एरिया पंजाब का। अगर आप मालवा की हिस्ट्री, पंजाब में तीन रीजन है, माझा, मालवा, दुआबा। मालवा में अभी 15 डिस्ट्रिक्ट आते हैं पंजाब के, और दुआबा में 3-4 आते हैं, और माझा में भी 3-4 आते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर इमोशनल मूव देखोगे आप कहीं भी कभी भी, आप पिछले चुनाव देख लीजिए 2022 के, मालवा में 69 सीट्स हैं, लोगों ने 67 पर सरकार बनती है पंजाब में, 67 आपको दे दी, तो इतना इमोशनली मूव होता है वो इलाका, बहुत इमोशनली। बठिंडा जो एपी सेंटर माना जाता है पंजाब की राजनीति या मालवा की राजनीति का, तो वहां पर बठिंडा जिले में है जो जिसकी डेथ हुई है नौजवान की, वो बठिंडा का बहुत ही दुखद है और बहुत इमोशनल माहौल है, और उसको लेकर भी आप देखेंगे पंजाब में। ऐसा नहीं है कि आम आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई उन चीजों को लेकर, वहां पर भी बोल रहे हैं, उनको भी बोल रहे हैं लोग कि पर्चा दर्ज क्यों नहीं हो रहा, कार्रवाई होनी चाहिए, हरियाणा पुलिस पर केस होना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी कहा जा रहा है। पर ज्यादा माहौल अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने जो गेन कर, मैं कह रहा था कि किसान आंदोलन के बाद बीजेपी ने बहुत कोशिश की वो ब्रिज बनने की, वो चीजें कि दिल्ली पंजाब के साथ है, जैसे आप कह रहे हैं हम मसले का हल करेंगे, वो जो सारी चीजें थी वो काउंटर हो गई इससे, और माहौल जो बीजेपी के पक्ष में बनना था वो उल्टा बनना शुरू हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के खिलाफ जाएगा पंजाब में, ये बीजेपी वाले भी जान रहे होंगे, तो उसमें जो गेन करने की जो ताकत लगाई जा रही है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्यादा लगाई जा रही है, और या कांग्रेस की तरफ से ज्यादा लगाई जा रही है, या अकाली दल कहीं से वापसी करता हुआ इसकी वजह से नजर आता हो? देखो, अकाली दल रिवाइवल की बहुत कोशिश कर रहा है, अकाली दल की पता नहीं किस्मत खराब है या अकाली दल के साथ ऐसा क्या होता है कि अभी उनकी बनती बनती बात बिगड़ गई। अकाली दल को कितना फायदा होगा, अकाली दल के बहुत सारे मसले वो चल रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि दो पार्टियां जो, क्योंकि दोनों के पास आप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी देखोगे, अगर आप पंजाब में किसी आम बंदे से भी जाके पूछोगे कि क्या हाल चल रहा है पंजाब में, ऐसा नहीं है माहौल सरकार के खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं है माहौल कांग्रेस को कोई बिल्कुल हाथों पर बिठाया हुआ लोगों ने। अकाली दल से जो नाराजगी है लोगों की, वो जो पुराने इशू चल रहे हैं, बेअदबी का इशू है, और मैं वही कहता हूं कि जो उनसे नाराज है वो ही कोर वोट बैंक है, और वही कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिखों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जाटों की है, वही लोग हैं जो लैंड से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी नाराजगी उस लेवल पर है। अकाली दल को कितना फायदा होगा ये तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कंपटीशन इस मामले में कि कौन गेन ज्यादा लेके जाए, ये कंपटीशन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ज्यादा रहेगा, कोशिश ये करेंगे। पर अकाली दल ये नहीं है कि इशू नहीं उठा रहा, अकाली दल लड़ाई लड़ रहा है, अकाली दल ने भी बहुत सारे इशुओं पर बहुत ही तीखे ढंग से प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ भी दी है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी है। अकाली दल की ये इशू क्यों रिजॉल्व भी हो सकता था, ये इशू में इंटरव्यू अच्छी तरह से हो सकता था, ये बहुत सारी बातें हुई हैं, पर मुझे ये लगता है एज ए, जब मैं एज ए जर्नलिस्ट देखता हूं जहां एज ए घूमता हूं, कि इसमें बेनिफिट लेने की कोशिश सबसे ज्यादा जो होगा भी जिनका, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कंपटीशन रहेगा। जी,
यादिंदर जी, मैं आपके पास अभी वापस आता हूँ। रविंद्र जी, आप तो आंदोलन कवर करने गए थे वहाँ पे बॉर्डर पे, तो पहले तो ये बताइए कि ये आंदोलन जो पिछली बार भी आपने कवर किया होगा, पिछली बार से कितना अलग है और इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी किसानों को? ये आंदोलन मूल रूप से जो है वो उन वादों को पूरा कराने के लिए है जो पिछली बार जब किसानों को अपने घर भेजा गया था, जब मोदी सरकार ने 3 कानूनों को वापस लिया था और MSP से लेकर ये तमाम मांगे उसमें शामिल थी, उन वादों को पूरा करने की जो एक बात कही थी, आश्वासन दिया था, उन तमाम वादों को पूरा करवाने के लिहाज से किसान एक बार फिर से आंदोलित है। देखिए, किसानों ने 13 फरवरी का दिन चुना है और संसद का सत्र जो है वो 10 तारीख को खत्म हो गया, आखिरी सत्र था। 13 तारीख तक किसानों ने सरकार को समय दिया कि 13 फरवरी से पहले, क्योंकि सत्र चल रहा है तब तक अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना नहीं शुरू करेंगे। लेकिन जब किसानों की बात नहीं मानी गई, जो उनकी मांगे थी, जो डिमांड्स थी, वो जब पंजाब के किसान वहाँ से चलने की तैयारी उन्होंने 13 तारीख से की। पिछली बार का जो आंदोलन था, जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो एक कई जत्थेबंदियों का एक ग्रुप था जिसमें 40 मुख्य नेता थे, जो लगातार 12 दौर की बातचीत सरकार के साथ जिन्होंने की थी, वो इस बार इस जो आंदोलन है उसके सदस्य नहीं है अभी तक। जो अलग से पंजाब के जो दूसरी जत्थेबंदियां हैं, जिनका कहना है कि कम से कम 200 जो किसानों के संघ हैं वो इसमें शामिल हैं, वो इसमें इस बार पार्टिसिपेशन उनका सबसे ज़्यादा है, जिसमें जो प्रमुख नेता हैं वो श्रवण सिंह पंढेर और रंजीत सिंह दल्लेवाल हैं, हालांकि दल्लेवाल पिछली बार भी थे। अब उन्होंने एक ग्रुप बनाया है SKM गैर राजनीतिक, क्योंकि देखिए ये केवल सरकार ने वादा खिलाफी की है ये कहना थोड़ा सा मुझे अप्रासंगिक इसलिए लग रहा है कि पिछली बार जिन किसान नेताओं पर भरोसा करके देश भर के किसान, या कम से कम हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो इकट्ठा हुए थे, उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक सेटबैक था, जब यहाँ के बड़े किसान नेता जो 39 में भी शामिल थे और अपने आप में एक बड़ा कद रखते थे, वो जाके चुनाव की राजनीति में शामिल हो गए जी। अब उनको अगर चढ़ूनी आए, राज्यवाल आए और ये सब जब राजनीति में चले गए, तो उससे कहीं ना कहीं इस बात के लेके भरोसा डगमगा जाता है उस आम किसान का, जो अपना सब कुछ, मतलब 700 किसानों की तो जान चली गई, छोटे छोटे बच्चे से लेके और बुजुर्ग लोग जब वहां पर अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे थे, तो जाहिर है वो इमोशनली, जैसे यादविंद भाई ने कहा कि इमोशनली कितने चार्ज्ड अप थे, ऐसे में जब आप उनके और इमोशंस के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेंगे कि आप उसके बाद राजनीति में चले जाएंगे, तो जाहिर है कि भरोसे का कहीं ना कहीं कमी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इस बार एक SKM गैर राजनीतिक बनाना पड़ा उस भरोसे को वापस जीतने के लिए जी। और उस जो SKM गैर राजनीतिक बना है, उसके बाद इन्होंने अपना जो है वो शुरू किया कि दिल्ली की तरफ कूच करने का। और ये जो इलाका है, देखिए ये जो 2 बॉर्डर जिनको घेर के रखा है अभी किसानों ने, या किसान जहां से आना चाहते हैं, जो कि हरियाणा सरकार ने CAPF की मदद से जहां पर बंदी लगाई हुई है, ये दोनों रास्ते कौन से हैं? एक जो अगर खनौरी बॉर्डर का रास्ता खुलता है तो वो सीधा वहां से किसान होते हुए टीकरी बॉर्डर आएगा, रोहतक, जींद और बहादुरगढ़ होते हुए। दूसरा जो शंभू बॉर्डर है, जो अंबाला और वहां से अगर किसान वहां से निकलता है, तो वो आएगा सीधा सिंगू बॉर्डर। ये दोनों वही बॉर्डर्स हैं जो हरियाणा में हैं, और पिछले हमने आंदोलन में देखा कि 13 महीने तक लगातार किसान यहां पर धरने पर बैठे रहे थे। तो इन दोनों बॉर्डर्स का ये सबसे ज्यादा महत्व है कि अगर वहां से किसान आएगा। अब बात आती है कि सरकार की, देखिए सरकार ने जो वादा किया था, प्रधानमंत्री ने भी ये बातें कई मंचों से कही है कि उनको MSP दी जाएगी, और MSP को लेकर MSP तो अभी भी दे रही है सरकार। नहीं, MSP सरकार दे रही है, लेकिन आपको भी पता है कि लीगल गारंटी की डिमांड है इनकी। MSP सरकार जो दे रही है वो, देखिए शांता कुमार कमेटी खुद कह रही है कि 6% किसानों को मिल रही है। अब 6% किसान, अब हरियाणा पंजाब का किसान अकेला तो किसान है नहीं जो फसल उगाता है जी, वो किसान भी है जो बिहार में है, जो केरला में है, जो तमिलनाडु में है, उन किसानों को भी MSP का लाभ क्यों ना मिले जी। उनको, किसानों को भी MSP का लाभ मिले, केवल गेहूं, बाजरा, धान, इन फसलों के लिए ही MSP क्यों हो? उस किसान को भी उसका फायदा मिलना चाहिए जो मार्जिनलाइज्ड है,
जो 2 एकड़ की जमीन, किसान कैसा कानून चाहते हैं कि जो एमएसपी मिल रही है किसान उसकी गारंटी दे दी जाए, तो जो प्राइवेट प्लेयर भी खरीदे तो उसी दाम पे खरीदे जिसमें सरकार खरीदे। एक लाइन की बात यह है जी कि एक रेट फिक्स कर दिया जाए, अच्छा चाहे गेहूं का हो 2150, लेकिन उसकी खरीदारी 2150 पे होगी, चाहे सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट प्लेयर खरीदे। अच्छा, उससे मतलब ही नहीं। अगर उससे कोई नीचे खरीदता है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसा चाहते हैं। ये एक डिमांड है किसान की। उसके अलावा जो 11 दूसरी डिमांड्स हैं, जिसमें बिजली कानून को वापस लेने को है, वो अलग डिमांड्स हैं, लेकिन मुख्य जो मांग है वो एमएसपी को लेकर के ही है। और एमएसपी देखिए, एमएसपी अब जहां तक बात सरकार की, एमएसपी देना या एमएसपी नहीं देना, इस पर सरकार की तरफ से अभी तक उस तरीके का कोई आधिकारिक वक्तव्य या आधिकारिक तौर पर वैसी कोई डिटेल एनालिसिस करके सरकार ने अभी तक जनता के सामने, हाउस के सामने या किसानों के सामने ऐसा कोई पत्र नहीं रखा है जिसमें ये कहा जाए कि इसकी वजह से ये दिक्कतें हम लोगों को आ सकती हैं, इस पर कितना खर्चा होगा। अब ये जो तमाम बातें मीडिया में चल रही हैं अभिनव भाई, ये सब बातें वो हैं जो मैंने आपको बोल दी, आपने उनको बोल दी। जो किसानों के हितैषी हैं या किसानों के साथ खड़े लोग हैं वो कहते हैं कि इससे कोई महंगाई का असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ किसान, सरकार कहती है कि इससे तो महंगाई आसमान को छू जाएगी। अब इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है कि सरकार वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए, सरकार वो चीजें बताए कि अगर एमएसपी दी गई तो इसका अर्थव्यवस्था पर ये असर पड़ेगा, किसानों के जीवन पर ये असर पड़ेगा, और एमएसपी दे पाना सरकार के लिए संभव है कि नहीं है। अब अलग अलग तरीके की जो थियरी चल रही हैं, सरकार को उस पर क्लीन आना चाहिए। सरकार को उन चीजों को, जिस तरीके से अभी अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र लेकर के आई थी, मुझे लगता है सरकार को उसी तरीके से तमाम डिटेल्स, एमएसपी के फायदे एमएसपी के नुकसान को लेकर आम जनता के सामने रख देनी चाहिए। उसके बाद आम जनता इस बात का फैसला करेगी कि भाई किसानों का जो आंदोलन है वो सही है या गलत है। तीसरी बात जो है, हरियाणा सरकार ने एक बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया। अब किसान एक पक्ष है, सरकार एक पक्ष है, और हम लोग एक पक्ष हैं। क्या हम लोगों को सड़क को क्रॉस करने का अधिकार नहीं है क्या? जी, सरकार इसके खिलाफ 5 पिटीशंस दायर हुई हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ना तो किसानों को कहा कि आप इसको खाली कर दो, ना सरकार को कहा कि आप इस जो बंद लगाया हुआ है इसको हटा दो। मतलब यह है कि जो सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वो अगर किसानों के मांगे जायज हैं ना जायज हैं उसका फैसला सरकार करे, लेकिन साथ ही साथ सरकार का उस आम आदमी की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने का भी सरकार की जिम्मेदारी है, जो आज उस रोड का उपयोग नहीं कर पा रहा है। NHAI एक्ट जो है वो ये साफ कहता है कि नेशनल हाईवे को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, और इसी को लेकर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन गई है। तो ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि रास्ते को ठीक किया जाए। और देखिए, ये बात जो बार बार कही जाती है कि केवल पंजाब का किसान है, केवल हरियाणा का किसान है या यूपी का किसान है, देखिए किसान की मांग की बात की जाए, कहाँ का किसान है, उसके पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां, अब मर्सिडीज गाड़ी होने से क्या उसकी मांग नाजायज हो गई? ठीक है, मैं इस पे आऊंगा कि मर्सिडीज है या नहीं है, उस पे वो एक दूसरा पहलू हो जाता है। आप एक चीज आप इस पे बता दीजिए जरा कि अगर वो रास्ते खोल देती है सरकार तो किसान जाना कहाँ चाहते हैं? दिल्ली में तो उन्होंने कहा है सर, किसान तो लगातार ये बात कह ही रहे हैं कि हमको दिल्ली में जाने दिया जाए, अगर रामलीला मैदान अलॉट करना है अच्छा, तो हमको अलॉट कर दिया जाए। तो रामलीला मैदान सरीखा कोई मैदान चाहते हैं जहाँ पे वो प्रोटेस्ट करें? अभिनव जी, देश में दिल्ली में कोई पहली बार किसान थोड़ी आ रहे हैं। बिल्कुल, सन 87 से आते रहे हैं, हमेशा रैली की, वोट क्लब पे रैली हुई, चौधरी देवीलाल की रैली हुई, महेंद्र सिंह टिकैत ने रैलियां करी, किसानों की कितनी रैलियां हुई है यहाँ पर। बिल्कुल, अन्ना हजारे का आंदोलन तो हम आपने सबने कवर किया ही है। बिल्कुल, किसान आंदोलन या तमाम आंदोलन दिल्ली में हुए हैं, और अभी नहीं, जब नेहरू जी की पहली सरकार थी उस समय से ही आंदोलन शुरू हो गए थे, ऐसा नहीं था कि तब कोई आंदोलन नहीं हो रहा था। हमारे साथ ऑनलाइन देवेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी किसानी की अच्छी समझ रखते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के तौर पे इन्हें जाना जाता है। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी जो चर्चा हो रही थी कि किसान मर्सिडीज से चलेगा या फिर महंगे ट्रैक्टर हैं, तो क्या किसान जो है वो जब तक गरीब रहेगा, जब तक वो फटे हाल दिखेगा, तभी उसको किसान माना जाएगा? अगर समृद्ध दिखता है और समृद्धि के लिए लड़ाई करता है तो क्या उसे किसान नहीं माना जाएगा? और दूसरा चीज़, आप किसानों के पहलू को समझते हैं, ये भी एक सवाल है कि आखिर किसान जब कानून वापस ले लिए गए और तमाम बातें हो गई, तो आप ये एमएसपी की गारंटी के लिए क्यों अड़ गए? ये तो हमें सबको जानना है कि किसान को भी एक आय की जरूरत है, उसको भी इनकम की जरूरत है, और हम जानते हैं कि जो लेटेस्ट एस्टिमेट है हमारे देश में किसानों की आय के प्रति, वो सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड जो है, जो 2021 में पेश हुआ था, वो सर्वे को अगर हम देख
देखते हैं तो उससे ये पता चलता है कि किसान परिवार की औसतन आय जो है देश में वो 10,218 रुपए है प्रति माह, और इतने कम जो इनकम लेवल है किसान का वो, बल्कि उसको सोचा जाए या देखा जाए तो वो मनरेगा के वर्कर से भी कम उसकी इनकम है। तो क्या आप सब लोग ये चाहते हैं कि वो किसान जो है वो सबसे नीचे पायदान पे रहे जहां तक कि इनकम का सवाल है देश में? तो ये सवाल जब पूछा जाता है कि भाई किसान क्यों अड़े हुए, क्या किसान को ज्यादा इनकम नहीं चाहिए, क्या किसान को अपने हक का जो उसको दाम मिलना चाहिए एक फसल का, क्या वो गलत है? क्यों हम लोग ये सवाल पूछते हैं कि किसान क्यों अड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि हमें ये बल्कि सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई किसान की इनकम इतनी कम क्यों है, क्यों उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सारे उसमें प्रयास ये हो रहा है कि भाई किसान को रन डाउन किया जाए, किसान वो उसकी जाति है, वो जो डिमांड है उसकी वो बिल्कुल नजायज है। मुझे लगता है कि उस सोच से हमें निकलना पड़ेगा। देवेंद्र जी, इसी क्रम में मेरा एक सवाल आपसे है कि ये भी तर्क जो है सरकार समर्थकों की तरफ से दिया जाता है, सरकार इस तरीके का कोई तर्क अब तक ऑफिशियली आकर दी हो ऐसा हमने नहीं देखा, लेकिन जो सरकार समर्थक है और खासकर जो सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ी जाती है उसमें दिया जाता है कि MSP की गारंटी देने से महंगाई बढ़ जाएगी, तो क्या उस महंगाई को आम आदमी झेल पाएगा? इस तर्क को आप किस तरीके से देखते हैं? तो अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो किसान अपना गरीब का गरीब ही रहेगा, क्या ये देश को मंजूर है? ये इसलिए जो एक आर्गुमेंट पेश किया जाता है और जिन लोगों द्वारा पेश किया जाता है, क्या उन्होंने कभी ये सवाल उठाया कि इतनी जो सबसे नीचे पायदान पे जो किसान खड़ा है हमें उसको उठाने की जरूरत है? कभी भी उठाया है इन लोगों ने सवाल? क्या कारण है कि जैसे ही ये सवाल उठता है कि किसान अपने हक को मांग रहा है या अपनी डिमांड ये कर रहा है कि उसकी भी इनकम कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी उसकी बेहतर हो, तो सारा इसमें नैरेटिव बना दिया जाता है कि सब इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगा। बल्कि ये भी कई लोगों ने कहा है कि 25% इन्फ्लेशन बन जाएगा, बढ़ जाएगा। मुझे नहीं पता ये कैसा एनालिसिस है जो अभी आपको प्रेडिक्ट कर दे कि साहब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा, इतना उन्होंने परसेंटेज भी दी है। ये वही इकोनॉमिस्ट हैं जो ये तो बता नहीं सके कि दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन कब आएगा या आने की आशंका है, ये भी नहीं बता सकते कि दुनिया में रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो अटकलें हैं मुझे लगता है कि इससे हमें निकलना चाहिए, और लेट अस वेट किसान की इनकम बढ़े तो सही पहले, क्योंकि किसान, मुझे लगता है कि किसान के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो उसका जो महंगाई से कोई मतलब नहीं है। कारण यह है कि जैसे अभी हमने देखा हाल में कि पंजाब में किन्नू की फसल 5 रुपए पर भी किसान ने फेंकी है सड़कों के ऊपर, और आम उपभोक्ता को वो 50 रुपए प्रति किलो मिला है जो किन्नू का फ्रूट है। तो 5 रुपए और 50 रुपए में इसमें 10 गुना का अंतर है। तो अगर उसका 5 रुपए का अगर 20 रुपए भी हो जाता है तो मुझे बताइए कि जो एंड कंज्यूमर प्राइस है 50 रुपए, वो क्यों बढ़ना चाहिए, वो क्यों बढ़ना चाहिए? तो ये जो एक ट्रेड की मनमानी है कि जब दिल करता है वो अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं, और जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, मुझे लगता है कि उस सोच से हमें निकलना पड़ेगा। और एक समय आ गया है कि हमारे किसान को भी इकोनॉमिकली मजबूत होना है और उसके लिए हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। जहां तक कि हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ये जो आंकलन किया गया है या बताया जाता है, ये सिर्फ डराने के लिए है, ये कंज्यूमर्स को डराने के लिए है कि देखिए अगर किसान की इनकम बढ़ती है तो आपके ऊपर मार पड़ती है। मुझे लगता है कि एक तो कंज्यूमर को भी समझने की जरूरत है कि कब तक आपको सस्ता अनाज देने के लिए किसान जो है अपने आप भूखा सोएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ये ना भूलें कि सारा बर्डन जो देश की इकोनॉमी का है वो किसान के कंधों पर है। जब वो आपको सस्ता अनाज देता है, आपको सस्ता फूड देता है, तो कभी ये भी सोचिए कि उस इनकम में वो कैसे गुजारा करता होगा, उसका परिवार कैसे जीवित रहता होगा। खैर, MSP के मुद्दे पे बात हो रही थी, विनोद आनंद जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, ये जो आप MSP कमेटी के जो PM कमेटी उसके मेंबर भी हैं, जो ये किसान कह रहे हैं कि हमें गारंटी कानून दिया जाए, तो इसमें अड़चने क्या क्या हैं, इसको आप जरा दर्शकों को समझा पाए, अगर सरकार के एंड से सरकार इस पर क्या सोच रही है? अनुराग जी, अभिनव पांडे जी, मैं आपको तफसील से समझाता हूँ जी कि MSP का जो डिबेट चल रहा है जी, उसकी सच्चाई क्या है जी। आपके माध्यम से हमारे किसानों को और हम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझ में आनी चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो शुरू हुआ था वो एक इमरजेंसी प्रोविजन था जी। सरकार ने कभी भी इस पक्ष को नहीं रखा है कि हम MSP की कानूनी गारंटी देंगे। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि
जो भारत सरकार का कोई सेवक हो या हमारे कोई भी मंत्री हो वर्तमान में, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है। कमेटी में जो बनाया गया, कमेटी हमारी बनाई गई जिस समय और उसके बाद से, तो प्रधानमंत्री जी के आदेश पे ये प्राइम मिनिस्टर हाई पावर कमेटी बनाई गई, और इस पे हम लोगों ने जो अनुशंसाएँ, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिया गया, उसमें मूल रूप से कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे सुधारा जाए ताकि MSP सबको आराम से मिल पाए, अच्छे से मिल पाए, प्रभावी तरीके से मिल पाए, और समझ में आए कि MSP ट्रांसपेरेंट है या नहीं, क्या है। अब मैं आपको ट्रांसपेरेंस अभी नहीं है उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए बंधु, ऐसा है कि आप पंजाब में अगर देखें तो एक क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन लगभग मोटा मोटी 850 रुपये में होता है, ठीक है, मतलब जो उनका इनपुट का जो कॉस्ट आता है, तो जो उत्पादन का खर्च है, MSP तो पूरे देश के लिए एक है, मान के चलिए 2024-25 के लिए कोई एक अमाउंट दिया गया जी। अब उस एक अमाउंट पे मैं नहीं जाऊंगा कि कितना बढ़ा कितना घटा, उस पे काफ़ी राजनीति होती है, दिल्ली में कई NCR रीजन के पत्रकार हैं जो उसके बारे में कहते हैं, लिखते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। परंतु अगर उसी गेहूं की कीमत आप महाराष्ट्र में लगाएंगे तो MSP तो वही है, बिहार में लगाएंगे तो MSP तो वही है, लेकिन कहीं पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, कहीं पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। पंजाब में पानी फ्री है जी, बिजली फ्री है, तो पंजाब में मिनिमल कॉस्ट, पूरे भारत में गेहूं के उत्पादन में जो सबसे कॉस्ट लगती है वो पंजाब में लगती है। उसके बाद आप आएँ ग्राफ, अगर आप देखते जाएँ, अगर ग्राफ बढ़ता है कैसे और किधर जाता है, तो उसमें जो दूसरा इनपुट कॉस्ट आता है ये लगभग 27 के आसपास कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन जो है, उसमें कई चीज़ें हैं। कई राज्यों में इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो फ्री है, कई राज्यों में किसानों को इंश्योरेंस देना पड़ता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो ऐसी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और कभी भी इस देश में कुछ लोग अपने मतलब को साधने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कभी कोई डिबेट ही नहीं किए, और इस वजह से कभी भी एक हम MSP को लेकर के भारत के 14 करोड़ किसानों को खुश कर पाएँ या उनको उनका जो हक है वो दे पाएँ, क्योंकि किसान तो किसान है, वो अन्नदाता है, भगवान है वो, तो उनको उनका हक देने की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं वो संभव नहीं है। तो बड़ा पेचीदगी वाला विषय है, तो इसको पहले तो ट्रांसपेरेंट बनाएं, क्योंकि जो आता है वो यूनिवर्सिटीज़ के रिकमेंडेशन से आता है। तो आप 19 इंस्टीट्यूशंस हैं, कई राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से वो रिकमेंडेशंस आते हैं, और उसके आधार पर फिर CACP ये सजेस्ट करती है कि हाँ इतना CACP के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, और फिर सरकार उस पर निर्णय लेती है। तो ये तो पहली बात हुई कि उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके पास उसके समय की उपलब्धि नहीं है, कभी और मौका देंगे तो मैं आपको विस्तार पूर्वक आपके दर्शकों को ये समझाऊंगा 10 मिनट में कि किस प्रकार से CACP कैलकुलेट करती है, नीचे कहाँ से शुरू होता है वो, और उसमें वर्तमान में सरकार ने क्या सुधार किए हैं। आज तक जो डेटा भरा जाता है 14,440 किसान का, जो पूरे भारत में एवरेज वेटेड मीन से निकालते हैं, वो गुजरात को छोड़ के सारे राज्यों में पेपर पे थी, कागज पे थी जी। अब बड़ा दुख की बात है, वो तो कहीं से भी किया जा सकता है। अभी जो डिजिटल इंडिया में आपने कभी भी उसके कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं अपलोड किए कि आप जा रहे हैं किसानों के पास सर्वे करने के लिए, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो किसानों की बात कभी रखी भी नहीं गई अमूनन इस तौर पर। तो जो ऐसी कुछ पेचीदगियाँ थी सारी व्यवस्थाओं में, उसको कम करने का, ट्रांसपेरेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो मैं आपको बताऊं, हमारे कमेटी में संजय अग्रवाल जी जो चेयरमैन हैं, वो पहले कृषि के सेक्रेटरी थे जी। और उन्होंने इसको सुलझाने के लिए काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए। दूसरी बात मैं आता हूं, देखिए ये मूल्य श्रृंखला है, वैल्यू चेन है, तो वैल्यू चेन में किसान कहीं किसी एक एंड पे है जो सिर्फ प्रोड्यूस करता है, वो जो मार्केटिंग कोऑपरेशन है और हर पल जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें वो कहीं नहीं पाया जाता है। तो उस वैल्यू चेन में उसको डेमोक्रेटिक राइट कैसे मिले, उस वैल्यू चेन में वो थोड़ा आगे कैसे बढ़े, इसकी परिकल्पना करने के लिए और इसको क्रियान्वयन करने के लिए कृषि की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उसमें सुधार होने की अत्यंत आवश्यकता है। मंडियां हैं, मंडियां कहाँ हैं, कितनी हैं, मंडियां कैसे चल रही है। अब मंदसौर की मंडी है, वहाँ पर ITC जैसे, मैं माफ़ कीजिएगा किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन उन्होंने खरीदारी करने के लिए वहाँ पे जो सिस्टम बनाया हुआ है, गेहूँ आता है, उसकी छटाई होती है, उस सारा कुछ होता है, और कुछ एक कंपनियाँ उसको खरीद के लेके जाती है। तो इस वैल्यू चेन में सारा काम तो होता है, लेकिन जो खरीदारी होती है वो MSP पे होती है। और मध्य प्रदेश में गेहूँ की का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हर हाल में पंजाब से
बहुत ऊपर है। तो कई राज्यों में तो किसान को प्रति क्विंटल 80 रुपया मिलता है, कई राज्यों में किसान को प्रति क्विंटल 1400 रुपया मिलता है, फायदा जो उनका होता है। तो जो कुछ अर्थशास्त्री जो काले कोट में और गुलाबी अखबारों के आसपास खूब पाए जाते हैं, वो कभी भी पता नहीं क्यों आज तक इस पर डिबेट नहीं करने दिए और किन कारणों से ये सारा कुछ हुआ। अब मान के चलें किसान को चाहिए MSP, ठीक है MSP दे किसानों को, अगर MSP तो दे ही रही ना सरकार, A2+FL तो दे रही है 50%। कानून चाहते हैं, गारंटी कानून अगर आप बना दें कि भाई सिगरेट पीना मना है और सिगरेट उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए, तो देखिए साहब हमारे यहाँ जो कमेटी बनी है प्रधानमंत्री जी के आदेश पे, उसमें 5 चीजें हम उन तथ्यों को रखते हैं। सबसे पहले वो फार्मर सेंट्रिक हो, किसान केंद्रित हो, दूसरा वो इकोनॉमिकली वायबल हो, है ना, तीसरा जो सबसे मुख्य विषय उसमें ये है कि वो हर तरीके से पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो। ये तो 3 है, बाकी की जो और चीजें हैं उसमें उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन 3 जो मुख्य है, फार्मर सेंट्रिक हो, आप ऐसी पॉलिसी बना दीजिए जिसमें वो फार्मर सेंट्रिक नहीं हो, वो बिजनेस सेंट्रिक हो, यानी कि उसकी ट्रेडिंग हो और उस ट्रेडिंग में किसान कहीं नहीं हो। इसका क्या मतलब है? तो एक कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। आपको कल ही 24 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी उद्घोषणा भी कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ा पूरे दुनिया में अगर कोई वेयर हाउस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हमारे देश में हो रहा है। अगर हम पैक्स को लोग सुनते नहीं थे, पैक्स को एक फैशनेबल टर्म मान लिया गया था, आज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको लोगों ने क्रेडिट सोसाइटी बना दिया था, वो मल्टीपर्पज है। 3 लाख पैक्स बनाने हैं, 2.5 लाख तो पंचायतें हैं, 3 लाख पैक्स बनाने हैं, तो आप सोच लीजिए उसके आगे क्या होगा। और उसकी आधारभूत संरचना में बदलाव होना है, उसके संबंधित नियमों में बदलाव होना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 558 मंडियों में से किसान को खरीदने नहीं देंगे, मंडियां बढ़ाने नहीं देंगे, हम पैक्स को मिनी मंडी बना सकते हैं, इस बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल बदलाव की बात है, आप लोगों की टीम ढांचागत और सरकार भी सुधार में लगी। हमारा सवाल एक ही उस पे केंद्रित है कि जो किसान गारंटी मांग रहे हैं कि हमको कानून चाहिए, इसका हमको कानून दे दीजिए, MSP जो आप दे रहे हो ठीक है उससे हम संतुष्ट हैं, हमको गारंटी कानून बना के दे दीजिए कि और कोई भी हमसे सस्ते दाम में ना खरीद पाए, तो इसमें क्या अड़चनें आ रही हैं, इस पर आप जरा बताइए तो ज़्यादा बेहतर है। पहले तो हमको ये समझना होगा कि कौन से किसान मांग रहे हैं, किसान कहाँ मांग रहे हैं, वो तो 2 राज्यों में किसान मांग रहे हैं, ये कौन सा आंदोलन है, 2 राज्यों का आंदोलन है, किसान कहाँ मांग रहे हैं, कहीं उसमें बिहार का आपको 10 करोड़ किसान दिख रहा है, 8 करोड़ किसान दिख रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के उसमें 3-4 करोड़ किसान हैं, नहीं है, दक्षिण के किसान हैं, नहीं है। तो एक कुछ लोग कुछ राजनीतिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, पिछली बार आंदोलन किया था तो सारे चुनाव में तो हार गए थे वो, उन्होंने तो वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, राजनीतिक पहलू पे हम नहीं जाते, तो इसीलिए तो राजनीतिक पहलू अगर जाएंगे तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और ये सरकार को आमतौर पे जो मोदी सरकार के स्टाइल के विपरीत है कि बैकफुट जाना अपने फैसले से। हमारा सवाल वो है कि आप कह रहे हैं कि कुछ किसान मांग रहे हैं, अब उस पर एक तर्क दिया जाता है कि आप जो है बिहार के किसानों को पंजाब के किसानों जितना समृद्ध बना दीजिए, या फिर पंजाब के किसानों को जो है वो बिहार के किसानों जैसा बना दीजिए जो उतने समृद्ध नहीं है। तो वो जो समृद्धि पंजाब और हरियाणा में है वो एक डेमोग्राफी का भी असर है और ये सब जानते हैं कि उसकी एक वजह है। सवाल ये है कि बाकी किसान नहीं मांग रहे, उसकी एक दो वजह जो हमें समझ में आती है कि पहली चीज़ तो पंजाब और हरियाणा दिल्ली से नज़दीक है तो जल्दी चार्ज हो जाते हैं, वेस्टर्न यूपी के लोग चार्ज हो जाते हैं, महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र के किसान अपने अलग तरीके से आंदोलन करते हैं, वो मुंबई जाते हैं, ऐसे ही तमाम राज्यों में कुछ ना कुछ चलता रहता है। किसान तो हम कभी इस देश में जो कृषि प्रधान देश है लेकिन आम तौर पे देखेंगे तो किसान परेशान ही रहता है। सवाल बस घूम फिर के वही है कि जो गारंटी कानून है कौन मांग रहा है, ये सवाल बाद में है, ये सवाल है कि उसमें अड़चने क्या है सरकार की तरफ से। अच्छी बात है जी। देखिए ऐसा है कि मैं आपकी बात पे अगर आऊं, लीगल गारंटी की मांग, कानूनी गारंटी की मांग हो सकता है 2006-07 में वैलिड हो जी, जब हमारी अर्थव्यवस्था $1.5 trillion के आसपास घूमती रहती थी। आज अर्थव्यवस्था बदल रही है, वो लगभग 4 को टच कर रही है, तो आज की तारीख में वो लीगल गारंटी की मांग और उस फॉर्मूले की मांग जो एक कृषि अर्थशास्त्री नहीं बल्कि एक जेनेटिकल साइंस के, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के एक वैज्ञानिक थे, बड़े प्रबुद्ध वैज्ञानिक थे और प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, तो उन्होंने और डॉक्टर आरबी सिंह थे उसमें और नबार्ड के उसमें चेयरमैन थे, वही लोग थे, सोमपाल जी की कमेटी बनी थी, सोमपाल जी की जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो दरअसल ये आयोग तब बना था,
और चुनाव जब हुए उसमें भाजपा को हार मिली तो सोमपाल जी ने इस्तीफा दे दिया और स्वामीनाथन साहब को उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, बाकी वही लोग थे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि C2 प्लस की जो मांग कर रहे हैं कि C2 कॉस्ट 2 प्लस, हर राज्य में तो भूमि का रेंटल वैल्यू अलग है ना, पंजाब में वो 40,000 प्रति एकड़ है, बिहार में तो कितना है आप जानते हैं, 5,000 प्रति एकड़ है, जो बाढ़ ग्रस्त जो बाढ़ से डूबती है उसका तो 5,000 भी एक एकड़ का जमीन का वैल्यू नहीं मिलता है, महाराष्ट्र में सिंचित जमीन का 18,000 एकड़ है, दक्षिण के राज्यों में अलग है। तो C2 प्लस संभव कैसे है, तो किसान को किस प्रकार से MSP दिया जाए, कैसे दिया जाए, इन्हीं पेचीदगियों को समझाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई है और उसमें हम वो चर्चाएं सारी कर रहे हैं, 30 से ज्यादा बैठ के हो गई है, नेचुरल फार्मिंग पे भी बातचीत कर रहे हैं और माइक्रो इरिगेशन पे भी बातचीत कर रहे हैं, एक कृषि सस्टेनेबल कैसे बने उसके ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं, और जो बाजार में किसान का जो एक इंटीग्रेशन कैसे हो, बाजार से किसान कैसे जुड़े उसकी भी बात कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये आमूल चूल परिवर्तन होगा और इसके बाद हमारे किसानों को मोर्चा बना करके आंदोलन नहीं करना होगा, या वो महाराष्ट्र का लासलगांव हो या फिर वो और किसी राज्य का कोई भी हो, हम पूरी बातचीत कर रहे हैं, पूरा पूरी बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो जैसे क्या है कि खेती किसानी होते देखे हैं, गांव से हैं, कभी किए नहीं है, ये देखें कि इस सीजन में ये फसल लग जाती है, इस सीजन में ये फसल लग जाती है। अब जैसे फर्ज है कि गेहूं का जो MSP है वो, अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, गेहूं का जो MSP है वो अभी शायद बढ़ करके 2275 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो अब तक के सबसे मैक्सिमम है, और सरकार ये कहती भी कि हमने बढ़ाया है, और ये बात सत्य है कि मोदी सरकार में MSP बढ़ी है, लेकिन अब उसके सवाल हमारा दूसरा उसके बरक्स, क्या खेती की लागत नहीं बढ़ी है, खेती की लागत में कितनी बढ़ोतरी आई है, डीजल पेट्रोल यूरिया खाद इन तमाम की कीमतों में क्या इजाफा हुआ है, और उसके जो जो भी सामंजस्य बिठा के सरकार ने MSP बढ़ाया। आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग जगह का अलग अलग कॉस्ट होगा खेती करने में, तो सरकार ने एक MSP तय कर रखा है, जो मुझे लगता है कि हमें जो समझ सामान्य समझ कहती कि एक औसत निकाल करके वो MSP सरकार ने दे रही है सरकार। अब आप ये बताइए कि जो स्ट्रक्चरल MSP का जो फायदा है वो सिर्फ पंजाब हरियाणा या चार पाँच छः राज्यों के किसानों तक ही क्यों सीमित हो जाता है, बाकी तक क्यों नहीं पहुँच पाता, और उनको भी उसका महत्व क्यों नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, कृषि एक पांडे जी राज्य का विषय है जी, और बाजार जो है वो तो ग्लोबल विषय है, और जो सारे राज्य केंद्र और लोकल गवर्नमेंट हैं और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है उसमें मेरा किसान उलझा हुआ है। किसान ये वेलफेयर इकोनॉमी है, तो इस चीज के पूरे कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने के लिए और समझने के लिए ये कमेटी बनी है, उसका गठन किया गया है जी। अब आपका तर्क ये है कि क्यों MSP की गारंटी नहीं दी जा सकती, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो दर्शक हैं जो समझना चाहते हैं उनको आप समझाइए, हम तो आपके माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से ही बताऊंगा, मतलब आप मीडिया हैं, आप हवा हैं, हम जो कहेंगे हवा के माध्यम से ही वो दूसरे पास जाएगा। बिल्कुल, भौतिकी में हम लोग पढ़े हैं इस विज्ञान को, तो मैं रसायन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, बाद में राजनीति शास्त्र भी पढ़ी, तो इस वजह से मैं उस तर्क पे कह रहा हूं। अब रही बात का आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, तो मैं आपको दो बातें बताता हूं। पूरे कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन में जो दो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो एक है लेबर कॉस्ट और दूसरा है पानी का कॉस्ट। तो किसान का जो सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है वो लेबर कॉस्ट में लगता है और पानी के कॉस्ट में लगता है। पानी का कॉस्ट कई राज्यों में तो फ्री है, कई राज्यों में उसमें इरीगेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम है, और इरीगेशन भी जो है वो राज्य का विषय है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट वर्तमान में किया गया है और जिस तरीके से किया गया है, बिजली से पानी मिल जा रहा तो ठीक है, कब तक, लेकिन जब कब तक बिजली से पानी निकाल करके जो पंजाब में आप निकाल रहे हैं वो किसके उस पानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर लाइट है तब तो जो है पानी मिल जा रहा है, लेकिन अगर उसको ट्यूब पंप सेट चलाना पड़ रहा है तब तो डीजल लग रहा है, तो डीजल लग रहा है तो डीजल का जो दाम बढ़ा वो फिर आप डायरेक्ट कहेंगे तो फिर सरकार केंद्र तक वो बात पहुंचती है, एक चेन है। आप आंकड़ों पे अगर ध्यान देंगे तो डीजल का जो यूज है वो उसमें गुणोत्तर कमी आई है, एक्सपोनेंशियल डिस्पे डिक्रीज हुआ है। अच्छा, और उसकी उसका कारण ये है कि बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन कई राज्यों में 3 फेज बिजली नहीं है, क्योंकि जो किसान का मोटर चलता है उसमें 3 फेज बिजली चाहिए होता है। दूसरी बात यह है कि जो बिजली से संबंधित मांगे हो रही है, आज सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी और कंप्रेस्ड बायोगैस का जमाना है, जो कि उनके गांव में ही है, तो फार्मर आज की तारीख में एनर्जी जनरेटर भी है, वो सिर्फ यहाँ पे सीमित नहीं होता है,
इस बदलते परिवेश में वो कार्बन ट्रेडिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ। तो उस होलिस्टिक चीजों को आप देखें और देख करके फिर आप उस पर निर्णय लें। मैं आपको कुछ एक आंकड़े देता हूं, जो पूरी हम MSP जो 23+1 शेड्यूल्ड कमोडिटीज है उसकी बातचीत करते हैं, वो सिर्फ 28% है। बाकी का जो 72% है वो हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट एंड वेजिटेबल है। अब आप ये देखिए कि सिर्फ 28% पे आप 2.5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। 100 रुपया MSP देने में हमारा कितना खर्चा होता है? 30 रुपया खर्चा होता है। यानी कि अगर आप 2.5 लाख करोड़ दे रहे हैं उसको 30% निकाल दें, उतना उसको MSP देने में खर्च होता है। तो ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी कि सीधे उसके पास पैसे मिलें? DBT उसके पास कैसे हो? उसको मंडी में जाना पड़ता है, ताना कई तरह के उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, लाइन लगानी पड़ती है, झारा झूरी टैक्स और पता नहीं कौन कौन सा टैक्स देना पड़ता है। आप मंडी में खड़े होंगे तो आपको हंसी आएगी उन सारी चीजों को देख करके। मैं देखा हूं तो मंडी की व्यवस्था कैसे हो। खूब मंडी जी, मुझे थोड़ा आप समय और दीजिए तो मैं बता पाऊं। मैं भी किसान हूं, मैं थोड़ी बहुत खेती करता था बचपन में भी। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा था तो मुझे जमीन मिल जाती थी, वहां मैं खेती करता था, खेती सीखता था। देखिए ऐसा है कि कई राज्यों में 2 फसलें होती है, कई राज्यों में 3 फसलें होती है, और जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की चीज़ें होती है, जैसे डॉक्टर HP सिंह थे जब वो DDG हॉर्टिकल्चर रहे तो उन्होंने पूरा एक नेशनल हॉर्टिकल्चर को फिर से रिजुविनेट किया। आज की तारीख में सीरियल से ज़्यादा हम हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 4.5 टन जो है वो सीरियल का प्रोडक्शन पर कैपिटा हमारे यहाँ है, लगभग 5 टन पर कैपिटा फ्रूट एंड वेजिटेबल का है, और वो भी किसान कर रहा है। उसका पैसा उसके लिए उसको MSP नहीं चाहिए, उसमें भी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, लेबर लग रहा है, पानी लग रहा है, तो लेकिन उसके लिए किसान मांग नहीं कर रहा। नहीं, उसके लिए किसान तो किसानों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों की जैसे वैरायटीज है। अब पत्ता गोभी है हिमाचल में बहुत अच्छा होता है, या फिर और तमाम टमाटर है कई जगहों पे, वो हर किसान की अपनी अलग फसल है, अपनी अलग डिपेंडेंसी है। खैर कृषि इतना बड़ा विषय विनोद जी, लेकिन इसमें कुछ बातें आपको समझना जरूरी है दर्शकों को खास करके। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं आप हमारी बात, इतना बड़ा विषय है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। बिल्कुल, अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कृषि बहुत एक बहुत बड़ा विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे तो वो पूरी रात निकल जाए, पूरा दिन निकल जाए, और आजादी के बाद से चर्चा। 18% जो आप कहते हैं कृषि की, 18% कृषि का हिस्सा, दरअसल ऐसा नहीं है। कृषि का अलग से इंडेक्स होना चाहिए, जो ट्रकें चलती है उसको लेकर के। अभी जो है किसान आंदोलन के इर्द गिर्द और जो किसान की मांगे हैं उसके इर्द गिर्द सरकार का एक तर्क ये है कि हम जो है MSP गारंटी कानून इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम WTO के ट्रेड से बंधे हुए हैं, और अगर हम कानून देते हैं तो हम मार्केट को बांधेंगे, मार्केट को विवश हम नहीं कर सकते, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उसके खिलाफ जाने की बात होगी। खैर ये सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन जो ये बात है कि सरकार ने ये तर्क आकर के ऑफिशियली दिए नहीं है, ये अनऑफिशियल चैनल से आते हैं ये तर्क, कई बार व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, कई बार ट्विटर के जरिए, कई बार सोशल मीडिया के जरिए। सरकार को इस पे बात मुझे लगता है इस पे और साफ करनी चाहिए और क्लियर करनी चाहिए। खैर मैं जो है यादवेंद्र जी आपके पास दोबारा से आऊँगा। एक बात ये बताइए कि इस बार का जो आंदोलन चल रहा है उसमें उस तरह की एकजुटता नज़र नहीं आ रही है, और किसान नेताओं में क्या किसानों का भरोसा बरकरार है, या फिर जो छिटपुट घटनाएं होती हैं एक दिन कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं फिर वो पीछे हो जाते हैं, कि चल क्या रहा है इन किसानों के, जो किसान संगठन है इनके अंदर क्या चल रहा है? देखिए जो शेरून भाई भी बता रहे थे, ये जो पंजाब में जब किसान आंदोलन जीता गया तो बहुत सारे लोगों की इच्छा जागी कि राजनीति में आके परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें राज्यवाल, जो बलवीर सिंह राज्यवाल बहुत बड़े लीडर हैं किसान लीडर पंजाब के, उनकी अगुवाई में संयुक्त समाज मोर्चा बना, चुनाव लड़े, चुनाव बहुत बुरी तरह हार गए, बहुत बुरी तरह, मतलब ऐसे तो कोई आम बंदा भी चुनाव नहीं हारता जैसे किसान लीडर चुनाव हारे पंजाब। उसके बाद क्या हुआ, जो इन लोगों में डिफरेंस पैदा होने शुरू हो गए, बहुत डिफरेंस चले, उसके बाद समझौता भी हो गया, उसके बाद खास तौर पर राज्य और डल्लेवाल में लड़ाई हो गई। राज्यवाल ने कहा डल्लेवाल तो RSS का बंदा है, भारतीय किसान संघ से जुड़ा रहा है, कक्का जी कहाँ से है, कक्का जी RSS की बैकग्राउंड से है, इन पर एलिगेशन लगे, देखिए ये तो कांग्रेस से समझौता कर गया। किसी ने कहा किसी ने कह दिया रॉ से मीटिंगें हुई थी, किसी ने कहा IBC से मीटिंगें हुई थी, कोई कह रहा है कि राज्यवाल IBC से सेट हो गया। ये बहुत बड़ा हंगामा पंजाब में होता रहा खासतौर पर, और ये जो जैसे भाई साहब भी कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा में है, अगर आप देखेंगे भी मामलों में लीड करने में, आप इमरजेंसी देख लीजिए, उठा इमरजेंसी में भी सबसे पहला विरोध पंजाब से ही आया था, अगर आप देखेंगे अकाली दल जैसे लेके चला था। तो ये तो एक्चुअल हिस्ट्री है अपनी तरह से, वो चीजें
होती रहती है, पर जो आप देखेंगे इन दोनों में अभी मुझे ये बात ज्यादा लगती है कि ईगो की लड़ाई ज्यादा बड़ी। सब लीडरों की अपनी अपनी ईगो है, जब कोई जैसे ये गैर राजनीतिक है, गैर राजनीतिक में भी सबसे राजनीतिक लोग हैं, मतलब जो गैर राजनीतिक है जिसमें डल्लेवाल साहब हैं, ये भी सबसे राजनीतिक लोग भी इसमें हैं, और ये काफी इन्होंने पहले कहा कि हम करेंगे, इनको लगता था शायद इसकी इनकी कॉल पर बाकी लोग आ जाएंगे, पर बाकी लोगों ने उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो संयुक्त अब जो मर्जी के संयुक्त किसान मोर्चा कहता है ये हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है, हम इसमें सपोर्टिव हैं, पर वो ईगो तो होती है, हर किसी की होती है कि ये हमारे से तो डिस्कस ही नहीं किया, हमसे तो बात ही नहीं हुई, इनको तो आंदोलन लड़ना नहीं आता। कल तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें यहां तक कह दिया कुछ लीडरों ने कि भाई इनको पता नहीं है कि कैसे डील करना है चीजों में, एक लड़का चला गया, चीजें हैंडल कैसे करनी है। पर ये मेरा मानना ये है कि चाहे वो संयुक्त समाज मोर्चा हो या फिर गैर राजनीतिक हो, ये जो अपने आप को गैर राजनीतिक कहते हैं, वैसे मेरा मानना है गैर राजनीतिक तो कुछ होता नहीं है, तो इन्होंने भी जो कुछ किया है उसकी वजह से जो आम किसान है, आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए, पट्टे छोड़ दीजिए, जथेबंदियां छोड़ दीजिए, पार्टियां छोड़ दीजिए, आम किसान का भरपूर समर्थन मिला है। वो अलग बात है कि जब सारी जथेबंदियां आएगी तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा आंदोलन, और अभी भी अगर आप देखेंगे इतना कुछ होने के बाद भी एक जान भी चली गई। आपको शंभू बॉर्डर पर चले जाइए या खनौरी बॉर्डर पर चले जाइए, वहां पर आपको 10-10, 15-15 हजार की भीड़ मिलेगी और नए लोग आते मिलेंगे, और जो कुछ भी हो रहा है लगातार वो भी आप मतलब जो अभी भी एक्टिविटी हो रही है उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो जथेबंदियां शामिल नहीं हुई है उनका कैडर है, जो उनका कैडर इसमें शामिल हो रहा है, कैडर अपनी तरह से चलता है, पार्टी अपनी तरह से चलती है, लीडरशिप अपने बयान देती है, पर कैडर को लगता है कि मांगे तो ठीक है, मांगे तो होनी चाहिए, जो एमएसपी वाला मसला तो हल होना चाहिए, तो सबकी मांग थी पहले, ऐसा तो नहीं है ये गैर राजनीतिक की मांग थी, राजनीतिक इनकी ईगो के भी मसले हैं, इनकी बहुत बड़ी सब लोगों की अपनी अपनी ईगो है, किसान लीडरों की इनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, और भी जितने तरह के आप कहोगे 360 डिग्री पर घुमा दीजिए बस पकड़ के पूरी राजनीति को, तो ऐसे लोग हैं जो 360 डिग्री पर घूम जाते हैं फिर आके 90 के एंगल पर खड़े हो जाते हैं अपने अपने तरीके से कि नहीं हम तो हमारी तो ये लाइन है, हमारी तो ये लाइन है, हम तो सीधे हैं। आपका जो बता रहे हैं कहानी कि गैर राजनीतिक होकर के भी क्रक्स यही है कि राजनीतिक है, और राजनीति इधर भी है, राजनीति उधर भी है, और उसमें कोई 21-22 साल का नौजवान चला जाता है तो उसके घर वालों से पूछिए कि राजनीति का सिला क्या होता है। खैर, मैं आपके पास आऊँगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पंजाब की बात हुई कि पंजाब में इस तरीके का असर होगा, हरियाणा में क्या असर दिख रहा है जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि हरियाणा वाले इस बार शांत हैं, हरियाणा बॉर्डर को रोका गया है, तो हरियाणा के किसान तो इस तरफ ही हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है वो उस पर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए अभिनव भाई, हरियाणा के अंदर एक तो हमको दो बातें समझनी पड़ेंगी, किसान आंदोलन और किसान नेता, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। किसान आंदोलन के जो आज तक देश में बड़े नेता हुए, जिसमें महेंद्र सिंह टिकैत हुए, जिसमें देसाई हुए, शरद जोशी हुए, किशन पटनायक, ये किसान आंदोलन के नेता रहे, चौधरी देवीलाल, कुंभरा मार रहे, चौधरी चरण सिंह, ये तमाम हुए किसान नेता जिन्होंने राजनीतिक तौर पर किसानों की बात को आगे बढ़ाया। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो धारा। अब इनमें दो धारा, इनमें आप देखेंगे चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, कुंभराम से लेकर के दौलत राम सहारण और इतने जो बड़े नेता हैं किसानों के, अधिकतर लोगों ने किसी ने भी अपने आप को लंबे समय तक कांग्रेस या बीजेपी से जोड़ के नहीं रखा। ये कौन लोग हैं? सबसे पहले इस देश में जो सबसे बड़े किसान नेता थे, जो हरियाणा की जमीन से आए थे, लेकिन उस वक्त संयुक्त पंजाब था, महापंजाब था, देश आजाद था, गुलाम था जी। उस वक्त थे चौधरी छोटू राम, और चौधरी छोटू राम ने 1939 में जो मंडी कानून लेकर के आया, उसकी वजह से आज पंजाब और हरियाणा का किसान इतना मजबूत है। बाकी के किसान ने, बाकी के नेताओं ने उस तरह की सोच नहीं दिखाई, और जिस वजह से उनके इलाके में किसान कमजोर हैं। एक बात आपने पूछा कि इसका असर क्या होगा, देखिए हरियाणा में इसके पहले 3 दफा बड़े आंदोलन हुए किसानों के रिसेंट पिछले 30 साल के अंदर, जिसमें एक कादमा में हुआ जो कि भिवानी जिले में पड़ता है, वहां पर किसानों के ऊपर बिजली की जो बिजली का बिल था उसकी माफी को लेकर किसानों पर तत्कालीन भजनलाल सरकार ने गोलियां चलवाई, सरकार बदल गई अगले चुनाव में। उसके बाद
मंडियाली एक जगह है, मंदिरगढ़ में एक मंडियाली नाम का गांव है, वहां पर किसानों ने उसी मांग को लेकर दोबारा आंदोलन किया, बिजली के बिलों को माफी को लेकर के। बंसीलाल की सरकार थी, किसानों पर गोलियां चलाई, बंसीलाल की सरकार बदल गई। उसके बाद कंडेला में, कंडेला एक हिसार के जींद में गांव पड़ता है, जींद में, ठीक है, जींद में जो गांव पड़ता है, वहां पर भी यही बात थी, किसानों ने बिजली को लेकर, बिजली के बिलों को लेकर आंदोलन किया, किसानों पर गोली चलाई, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बदल गई। किसानों का आंदोलन, किसानों का रोष हरियाणा में लगातार हमने लंबे समय से देखा है और सरकारें हमेशा बदलती रही हैं। ये जो आंदोलन है इसका सबसे ज्यादा असर बीजेपी पर पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो इलाका अहिरवाल का है अभिनव भाई, जो गुड़गांव महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का जो एरिया है, ये अहिरवाल का इलाका है, इस इलाके में आंदोलन का बिल्कुल असर नहीं है जी, ना पहले असर था ना इस बार असर है। हाँ, पूरे बीजेपी मजबूत भी है अपेक्षाकृत, मतलब महेंद्र गुड़गांव से लेकर अमृतसर तक सारे टोल प्लाजा बंद थे, केवल इन इलाकों के तीन जिलों के टोल प्लाजा खुले थे पिछले बार, इस बार भी उसमें कोई असर नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारा जो जिसको जाट बेल्ट बोला जाता है, जिसमें आप चरखी दादरी भिवानी रोहतक झज्जर जींद सोनीपत, ये जो इलाका है, इस इलाके में बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और जाट पिछले 10 साल से लगातार देखा गया है कि बीजेपी के पक्ष में उतने ज्यादा नहीं है। बीजेपी की जो बड़ी जीत होती थी वो या तो अहिरवाल के क्षेत्र से होती थी या फिर होती थी जीटी रोड बेल्ट से। इस किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर जो है वो उसी बेल्ट पर देखा गया है। उस बेल्ट में एक तो अधिकतर जो लोग हैं वो गैर जाट हैं, जाटों का प्रभुत्व उस बाकी इन पांच जिलों के मुकाबले में वहां पर बहुत कम है। तो वहां पर जो जातियां हैं उसमें ओबीसी भी हैं, सिख बहुत बड़ी तादाद में हैं, या पंजाबी स्पीकिंग जो बेल्ट है उस इलाके में इमोशनल जो भावनात्मक तरीके से किसान आंदोलन के साथ लोग जुड़े हैं, और जो गैर जाट जातियां बीजेपी को पिछले दो इलेक्शंस में लगातार वोट देती रही थी, उन जातियों का बीजेपी के खिलाफ एक माहौल देखा गया है। चुनाव में कितना ट्रांसलेट होगा कहना मुश्किल है, लेकिन उसका नुकसान बीजेपी को आने वाले चुनाव में अगर हुआ तो उसका नुकसान हो सकता है। उसी नुकसान को ध्यान में रखते हुए, उस नुकसान को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को जिला पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो कि नारायणगढ़ से आते हैं तो और कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, तो उसको कैटर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इस तरीके से बीजेपी उसको अगर मैनेज कर पाती है तो शायद बीजेपी जो है वो चुनाव में पिछले बार की तरह 10 सीटें जीते, लेकिन रोहतक की सीट और सिरसा की ऐसी दो लोकसभा की सीटें हैं जिन पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार आसान नहीं होने वाला है। और जिस तरह से किसानों का जो माहौल है अभी तक बन रहा है, देखिए चुनाव तो मुझे लगता है 10 मार्च के पहले घोषणा हो जाएगी, 13 मार्च के बाद होगी, चलिए पिछली बार 2019 में 10 मार्च को हो गई थी जी। उसके आसपास जब भी होगी तो उसके बाद सरकार के पास तो कोई अख्तियार रहेगा नहीं, तमाम अख्तियार जो है वो चुनाव आयोग के पास आएंगे। तो सरकार पे अगर एक हिसाब से आप देखें तो सरकार पर ये एक्स्ट्रा प्रेशर है कि किसी तरीके से कोई बीच का समाधान 10 मार्च के पहले निकाल लें, जिससे कि सरकार चुनाव में जाने के लिए दोबारा से अपनी कोशिश कर सके। क्योंकि अगर किसान आंदोलन चलता रहा, हमने पिछली बार भी देखा था कि तो पंजाब आंदोलन जो हो रहा है तो पंजाब के हिस्से में हो रहा है, पंजाब के किसान है ज्यादातर, हरियाणा के किसान नहीं नजर आ रहे हैं ना, हरियाणा के किसान बिल्कुल नजर आ रहे हैं इस बार। कल आज ही की बात है, हिसार में खेड़ी चौपटा एक गांव है, अच्छा। वहां के किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर जाने की कोशिश की और सीएपीएफ के साथ उनकी झड़प हुई है, अच्छा। आज किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान शायद उस तरीके से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पंजाब का किसान अभी तक बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया है। लेकिन किसान आंदोलन के साथ आपको जरूरी नहीं कि वहां पर सड़क पर जाकर सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट तो दिख ही रहा है ना कहीं ना कहीं से, और सेंटीमेंट जब पॉलिटिकली उसमें वो ट्रांसलेट कर जाते हो तो उसमें बढ़ जाता है पूरा सिस्टम, उसके साथ सेंटीमेंट जुड़ जाता है। तो जो पहले से आपके खिलाफ हैं या 2021 में जिस तरह से किसानों के साथ किया गया था, उसके किसानों के ऊपर कई बार लाठीचार्ज हुआ है हरियाणा में, किसानों को जब दिल्ली आ रहे थे तो उसके साथ उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ था, तो वो सेंटिमेंट कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर सकता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी लगातार इस देखिए कोशिश कर रही है। चुनाव बहुत नज़दीक है अभिनव भाई, और बीजेपी जो केंद्र सरकार है उसके पास समय बहुत कम है। देखिए आपने कहा कि जब जब किसान आंदोलन हुए तो जो पार्टी सत्ता में रही उसको नुकसान हुआ, फिलहाल उस राज्य की सत्ता का चुनाव नहीं होना है, चुनाव होना है नरेंद्र मोदी की सरकार का। और नरेंद्र मोदी की सरकार में जब चुनाव होते हैं तो हमने देखे कई बार जो बने बनाए प्रतिमान होते हैं हमने उनको ढहते देखा है, वो जो फॉर्मूलाज होते हैं कि फलाने जाति और ये वो, जो कहते हैं ये तो संभव ही नहीं है,
वो नरेंद्र मोदी की सरकार में आपने देखा होगा कि जो गैर जाट पॉलिटिक्स है, या फिर मतलब जो कल्पना नहीं की जा सकती थी कि यार इस जाति को लिए साथ लिए बिना कैसे चल सकता है, या इसका मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो इसका कैसे बन सकता है। बिल्कुल। तो चुनाव में खैर क्या प्रभाव होगा वो आने वाले समय में बताएगा। हम चलते चलते विनोद जी आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा मैं कि आप तो MSP कमेटी के मेंबर भी हैं जी, तो जब ये बैठकें होती हैं सरकार के मंत्री जाते हैं, तीन मंत्री जाते हैं मेरे हिसाब से, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल जी और नित्यानंद राय जाते हैं जो गृह राज्य मंत्री हैं, तो आप लोगों के पास तक जानकारी पहुंचती है कि उस मीटिंग में होता क्या है, क्या बात करते हैं किसान, और एक मतलब एक बार आंसू गैस चलता है, फिर वो जो है कहते हैं रबड़ बुलेट चली, फिर वो टेबल पे आ जाते हैं, फिर वहाँ क्या माहौल होता है, किसान किस तरीके की बातें रखते हैं और नेता क्या कहते हैं, क्या मनाने की कोशिश होती है? देखिए पांडे जी, क्या बातचीत होती है और हमारी कमेटी कैसे काम करती है ये मीडिया को जानने का विषय नहीं है, तो इस पर मैं कोई टिका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कमेटी जो हाई पावर कमेटी है उसका सदस्य हूँ, तो आधिकारिक तौर पर मैं मीडिया के सामने कोई टिका टिप्पणी नहीं करूँगा। ये MSP कमेटी की मीटिंग नहीं होती है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कमेटी और बाकी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की ये बैठक उसकी नहीं होती है। नहीं, नहीं, ये हमारे तो... कुछ नाराज किसान हैं जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, वो आते हैं बातचीत करते हैं, उनको दिल्ली ना पड़े इसलिए हमारे तीन कृषि मंत्री, हमारे उद्योग मंत्री और हमारे गृह राज्य मंत्री जाते हैं उनके पास, अब बातचीत करते हैं, उनकी नाराजगी सुनते हैं। ये तो आपकी बात हुई। दूसरी बात जो अभी हमारे साथी कह रहे थे, देखिए क्या है, पीजेंट्स स्ट्रगल और फार्मर्स मूवमेंट, किसान आंदोलन, सारे एक ही शब्द हैं जो इंटेलिजेंसिया ने अलग अलग तरीके से रखा है। मैं एक चीज पांडे जी मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आप कहिएगा, आप पूरा मुझे बोलने दीजिए, फिर आप समय खत्म कर देंगे, आपने WTO की बात भी अधूरी छोड़ी है। ये लल्लन टॉप है, ये टीवी नहीं है, ब्रेक नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरा समय दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है ये हम नहीं जानते हैं, हम ये मेरा ये जानना था कि आप एक कमेटी से जुड़े हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमेटी में क्या चर्चा कर रहे हो, कमेटी से नहीं, हाई पावर कमेटी से जुड़ा, हाई पावर कमेटी से आप जुड़े हैं, वो ऐसी कमेटी मत मानिए, नहीं नहीं, पांच सचिव उसमें हैं, बिल्कुल कैसे हम मान सकते हैं, आज तक कभी ऐसी कमेटी नहीं बनी, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कमेटी से जुड़े हुए हैं, आप तक जान, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस मीटिंग में आप कमेटी में क्या फैसला कर रहे या करने वाले वो बताइए, मैं कह रहा हूँ कि सरकार के जब तीन बड़े मिनिस्टर जाते हैं मिलने तो उसकी चर्चा आप लोगों तक भी पहुंचती होगी, छन के कई बार बातें आती होंगी, आप भी उस मीटिंग में नहीं रहते, तो क्या बातें होती और क्या आप लोग क्या सुझाव देते हैं कि भाई इस तरीके से मनाने की कोशिश कीजिए, ये मेरा सवाल है। देखिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैठक होती है और दोनों पक्ष काफी मेहनत करते हैं, हमारे किसान बंधु का पक्ष भी, वो भी काफी मेहनत करते हैं, और हमारे माननीय मंत्रीगण और उनके पदाधिकारी जो संबंधित हैं वो भी काफी मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का परिणाम ही 19 तारीख की रात को आया था जी, वो 18 तारीख की रात को आया था जी, कि पांच फसलें हैं और इन पांच फसलों के ऊपर हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि हम अभी 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लीजिए कि हम आपका 100% खरीदेंगे। अच्छा। और इससे भी मैं आगे आपको बताता हूं, मान के चलिए अगर कुछ एक ऐसी फसलें हैं XYZ और जिससे पानी बचता हो, जो सस्टेनेबल हो, जिससे हमारी प्रकृति बचे, भारत माता का एक यू नो पानी बहुत एक ऐसा है, सॉइल रीजनरेट हो, है ना, कार्बन सेक्वेट्रेशन हो, तो उस पर और प्रीमियम भी देंगे जी, ऐसी भी बातचीत है और ऐसा प्रपोजल भी है और ऐसा हम करेंगे भी। तो ये तो बात हुई कि वहाँ क्या बैठकें होती है, लेकिन देश में एक चर्चा बिल्कुल भी नहीं होती जी। सर चौधरी छोटू राम बड़े लीडर थे, उसके पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा भी बनी थी, किसान कैसे लड़ते हैं, गया के किसानों का दर्द, सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था नील की खेती और सॉल्ट पीटर, उसके लिए हुआ था। तो आंदोलन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में होता रहा हो, उसकी पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो वो दरअसल बिहार से शुरू हुई है, मगध से शुरू हुई है, लेकिन उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं लोग एग्रीकल्चर के नाम पे, और इस देश में रिफॉर्म तभी होगा जब पॉलिटिकल रिफॉर्म होंगे, कोई रिफॉर्म जैसा भी आप बना लें बगैर पॉलिटिकल रिफॉर्म के कोई रिफॉर्म्स नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप चुनाव में जाएं, राजनीति करें और चुनाव लड़ें, ये नहीं होता है। गांधी जी कभी चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने तो नील की खेती शुरू की, आप तो सब जानते हैं, भीतीहरवा से वो शुरू हुआ था,
कभी स्वामी सहजानंद सरस्वती चुनाव नहीं लड़े, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव नहीं लड़े, तो चुनाव लड़ना ही सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं है। तो इन सारी चर्चाओं के ऊपर जो किसान की बातचीत होती है, यहाँ कभी केंद्र बिंदु जाता ही नहीं है। क्या कारण था आप नेपाल के साथ ट्रीटी आप तक रिवाइज नहीं करवा पाए? मैं तो सारी सरकारों से पूछता हूँ, और अभी हम लोग करेंगे क्योंकि मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, तो वो ट्रीटी रिवाइज होनी चाहिए जिसके वजह से नेपाल में बरसात होती है और बिहार डूबता है। तो एक होलिस्टिक विषय है, इतना आसानी से आप सिर्फ कह दें और कुछ गुलाबी अखबार और काले कोट वाले उसके बातचीत कर दें तो वो मुझे तो समझ में नहीं आती। अगर मुझे कोई समझा दे तो मैं बड़ा उनका अनुग्रहित होऊंगा, उनको हाथ जोड़ के और पांव छू के उनको प्रणाम करूंगा कि क्या कारण है कि ये 2.5 लाख करोड़ सिर्फ दो राज्यों में जाए। और देखिए, सबसे ज़्यादा घाटा जो होगा वो पंजाब और हरियाणा का ही होगा, जो भी होगा। लीगल गारंटी मान के चलिए, आप सुबह उठिए और पांडे जी आपको लीगल गारंटी मिल जाए तो वो तो 26-24 भाग में बढ़ जाएगा। तो लीगल गारंटी में खरीदना तो हमको उतना ही है, तो क्या होगा उसके बाद? फिर पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान के सारे जिलों से जो कणक चुना एक एक दाना खरीदा जाता है, उस दिन बंद हो जाएगा वो। तो ये बात तो समझ ही नहीं रहे हैं वो। ये बात उनको समझाना बहुत आवश्यक है कि आप सारा कुछ खरीद लें, कल को आप कहेंगे कि चलो जी देश का जितना धान गेहूँ 23 सारी फसलें खरीद लें, तो फिर कुछ लोग उससे नाराज होंगे कि ये तो मोनोपोली है जी, ये तो आप मोनोपोली बना रहे हैं, सरकारी मोनोपोली है। कि रेल तो सिर्फ भारतीय रेलवे ही चलाएगी, प्राइवेट रेल तो संभव ही नहीं है। तो ऐसे कैसी अर्थव्यवस्था आप, कैसा एक आर्किएक सिस्टम बनाना चाहते हैं इस देश में कि जिससे सिर्फ समस्या ही समस्या हो? तो उसको जरा दूसरे नज़रिए से देखिए। रही बात WTO की, तो देखिए ऐसा है ना कि हमारा जो देश है आज की तारीख में, WTO से मुझे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किसानों ने इस बात का ऐलान किया है कि वो 26 तारीख को WTO के वो पुतले जलाएंगे और वो कैंडल मार्च निकालेंगे जो जिस किसान की जान गई उसके लिए। जी आप कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले तो जिनकी मृत्यु हुई, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए गया में श्राद्ध करूँगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं अपने संगठन की तरफ से करूँगा। एक व्यक्ति गया, परम विलीन हो गया वो, तो बड़ा दुख हुआ उसकी बात पे। अब मैं वापस आता हूँ, जो हम कर सकते हैं उनके लिए अवश्य करेंगे। देखिए साहब, ऐसा है कि जो WTO के लिए आप पुतले जला दें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सारा काम कर दें, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जितने मजबूत होंगे, देश जितना मजबूत होगा उतना ही तूती आपकी बोलेगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो WTO हमको हमारे ऊपर दबाव डाल दे, वो भारत नहीं है अब। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। आप देख रहे हैं क्या इंटरनेशनल रिलेशन में चीज़ें हो रही है, कतार से कैसे लोग आ गए वापस। तो हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ गया और हम शक्तिशाली देश हैं। हो सकता है आने वाले समय में और शक्तिशाली होगा ही। तो WTO की चिंता आप मत कीजिए, हमको जो करना होगा वो हम करेंगे। वो कोई डंकन साहब और स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड नेशन हमको कोई रोक नहीं पाएगी। हमको जो करना होगा किसानों के भले के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने जो किसान और मजदूर हैं उनको लाइवलीहुड सपोर्ट देने के लिए, वो हम करेंगे। और मैं तो और भी बातें आपको बताना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है वो आप अगला समय देंगे तब बताऊंगा। खैर ठीक है, किस तरीके से अनसस्टेनेबल माइग्रेशन होता है। मेरा सवाल था कि उस मीटिंग में क्या होता है, आपने उस पर जवाब दिया। आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे जो विनोद जी ने कहा कि ये संभव नहीं है? देखिए यही बात है कि विनोद जी ने जो बात कही, कि मैं वही कह रहा हूँ विनोद जी, कि पूरा देश में चाहे मीडिया हो या इंटेलिजेंसिया हो, किसान हो, वो इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर सरकार इस पर क्लियर एक बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। क्यों सरकार के मंत्री जब हर बार कैबिनेट की बैठक होती है, उसके बाद प्रेस की ब्रीफिंग होती है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर सरकार ये क्लियरली बता सकती है कि MSP की गारंटी से लेकर WTO के जो दबाव हैं कि नहीं है, वो सारे स्पष्ट कर सकती है उसका क्या असर होगा। और देखिए सरकार से बेहतर तो कोई नहीं जानता। हम लोग और आप लोग जो अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के कुछ डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है वो बेमानी होगा। पिछली बार भी बहुत सारे तर्क दिए गए थे कि ये कानून बहुत अच्छा है और इससे किसानों का भला होगा, और सरकार की तमाम मशीनरी तंत्र, सरकार के नेता सब लोग लगे थे। आखिरकार प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम जो है किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन किसानों को भी कई मसलों पे समझना होगा कि सरकार की क्या जरूरतें हैं और सरकार किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। एक क्या है जी, ऐसा कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी। देखिए अभिनव भाई, ये ना जब तक ये काम नहीं हो जाता है तब तक हमेशा ऐसा लगता है। मैं एक छोटी सी बात कह के आपका भी समय खत्म हो चला है। जब आज प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी, इसकी शुरुआत कहां से होती है? 1987 से।
जब सबसे पहले चौधरी देवीलाल की सरकार बनी तो उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है कि हम लोग किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दे दें। उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं संभव है, बोला जी, उन्होंने पूछा आपको पेंशन मिलती है क्या, आप तो आईएएस हैं, बोला हाँ मुझे मिलती है, बोला जी क्यों मिलती है आपको, उन्होंने कहा जी मैं तो देश का सेवा करता हूँ, बोला जी किसान भी तो देश की सेवा करता है। वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, 100 रुपये की पेंशन थी, आज प्रधानमंत्री 6,000 रुपये साल के दे रहे हैं। देखिए शुरुआत जब तक नहीं होती है तब तक बिल्कुल यही लगता है, आज वही दौर है वही समय है जब प्रधानमंत्री क्योंकि इतने मजबूत हैं और इतनी बड़ी मजबूत सरकार है, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरत है कि अगर पीएम आगे बढ़कर या सरकार आगे बढ़कर इस कदम को लेती है कि एमएसपी की लीगल गारंटी देती है। और भाई विनोद ने जिस तरह से बात कही कि ये केवल हरियाणा और पंजाब का मामला है, विनोद जी हरियाणा और पंजाब इसमें सिर्फ आगे दिख रहा है, वो लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा पंजाब में ही एमएसपी दो, एमएसपी तो पूरे किसान समाज के लिए मांगी जा रही है ना, जो पौंडीचेरी और लक्षद्वीप में था उसको भी तो फायदा होगा ना उसका, और इस देश का किसान खुशहाल हो यही तो जी बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दलों की सोच है। तो इस नेता नगरी एपिसोड में किसान की बात हो गई, जवान की बात हो गई, गठबंधन और चुनाव की भी बात हो गई, बात मर्सिडीज की भी हुई जिसको मैनहट्टन वाले भी समझ सकते हैं, बात ट्रैक्टर की भी हुई जिसे मोतिहारी वाले भी समझ सकते हैं, माँ से माँ भिड़ा करके मैंने एक सस्ती सी तुकबंदी की है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डाइजेस्ट कर लेंगे। तो पूरा ये नेता नगरी एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका अगला हफ्ता शुभ हो, और ऐसे ही ललन टॉप पर प्यार लुटाते रहिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।